के हर आदमी को पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ, आज से पॉकेटमारी, चोरी, ये सारी घटनाएं हमारे राज्य में नहीं चलेंगी। आप लोग बिना डर और तकलीफ के यहाँ जी सकते हैं, क्योंकि हमने अपने राज्य के पुलिस ऑफिसर्स को हर वक्त अलर्ट रहने का आदेश जारी किया है। अब आप लोगों को किसी बात का कोई डर नहीं, हमारी पुलिस सर्वशक्तिमान है। अरे ए, 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 क्या हो रहा है? अरे ये लोग क्यों दौड़ रहे हैं? अरे पुलिस, पुलिस कहाँ गई? अरे सच में मैंने कहा था ना, मुझे मजा आ रहा है, पता है? अरे ये करना चाहिए था। क्या क्या है? छोड़ो, परेशान कर रहे हैं, चलो चलो। अरे भाग, निकल जल्दी। स्टूपिड इडियट, नॉनसेंस ऑफ द फूल, ये क्या तुम लोगों का गेटअप है? दिमाग नाम की चीज ही नहीं है क्या? गणेश को बोला बनाने को तो उसके पिता को बनाने चले हो तुम लोग। बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। सर, आप गणेश को बनाओ या उसके बाप शिवराज को? सॉरी सर, शिव, लेकिन एंड ऑफ द डे पूजा तो आप भगवान की ही करते हो ना? सर, आजकल के चोर कैसे होते हैं पता है सर? हमारे ओपी सर ने जो किया उपेंद्र सिंह में एक कैरेक्टर, और उसी तरह से सर एक कॉस्ट्यूम, उसके ऊपर से एक और कॉस्ट्यूम, सर के ऊपर पुलिस की टोपी डालकर सारे चोर पुलिस के गेटअप में आके पब्लिक को और हमें पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया सर। सर इसीलिए चोर को पकड़ने के लिए हमने भी चोरों का कॉस्ट्यूम पहना है। सर अगर वो खिलाड़ी है तो हम उनसे भी खतरनाक खिलाड़ी है सर। ओ तो ये है मैटर। ओके ओके हाँ, सुनिए मिस्टर रामानंद राघु, yes, जो तुम डिफरेंट चोरों को पकड़ने के लिए ये जो डिफरेंट आइडियाज इस्तेमाल कर रहे हो, ये तुम्हारा जोश मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। लेकिन डिफरेंट आइडिया को यूज करके डिफरेंट गेटअप में डिफरेंटली चोरी करने वाले चोर के गैंग के लीडर का नाम क्या है बताओ? सुब्रभता मेलकोटम राम कृष्ण बसक सर। बसक है? यस सर। ओ उस नलाय के बारे में तुम्हें क्या पता है? ऐसी कोई पुस्तक या विद्या नहीं है जो उसने नहीं पढ़ी है। लॉ से लेकर मेडिकल तक उसने सब कुछ पढ़ा है, इंजीनियरिंग से लेकर साइकोलॉजी तक सब कुछ सिखा है उसने। उसका रिज्यूमो पढ़ने के लिए पूरा एक महीना चाहिए। क्या सर इतना बिल्टअप क्यों कर रहे हैं आप? वो क्या आकाश का सितारा है जो हाथ में नहीं आएगा? देखो वो अपने आप में एक तरह का है। कितने स्टार देखे तुमने? सुपरस्टार, मेगा स्टार, मेगा पोस्टर, अल्टीमेट स्टार। लेकिन एक रियल स्टार को रियल गेटअप में, रियल अवतार में कभी देखा है तुम लोगों ने? सर नमस्कार सर। सर बैठ जाइए सर, बैठ जाइए सर, बैठिए सर। क्या सर, सब कुछ करेक्ट है सर? किधर है सर? नहीं सर, हाँ सेंटर सेंटर में पकड़िए सर। ऐसे ऐसे ऐसे। तुम्हें चोरी करने के लिए दूसरा ड्रेस नहीं मिला क्या है? चोरी करते हो पुलिस की ड्रेस में? चोरी करते हो पुलिस की ड्रेस में?
पौधा किधर आ रहे? इतने बड़े चक्की में मिर्ची पीस करके लेकर आ रहे, जल्दी जा। ओके सर। इंस्पेक्टर अग्नि, उठ जाइए अग्नि। आईपीएस करोड़पति का सर मुड़वा दिया, अब तो खुद बाल बढ़ा रखे। चल चल, झुक झुक झुक, पीछे को पीछे को। ये ले क्या, ये है तेरी तो? मुख मुख खोल। बसा किधर है? बसा किधर है? बसा किधर है बे? चोरों की तरफ से कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नो टेंशन बॉस। चोर को पकड़ने वाले पुलिस के लिए प्लान रेडी करो। अरे कोई भी चीज इस पर काम ही नहीं कर रही है। गाड़ी एकदम चकाचक कर देना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ ऐसा क्या? बॉस नमस्कार। बॉस क्या बे? ओम प्रकाश कैसा है? क्या आइडिया था बॉस, सुपर आइडिया था बॉस। सारे चोर पुलिस की ड्रेस पहन के खूब एंजॉय कर रहे थे। ऐसे आइडियाज आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिए बॉस? बोलो बॉस। क्या कहा? आइडिया? वो भी आते जाते। 15 साल पहले मैंने तुझे इस फील्ड में उतारा, कैसे ट्रीटमेंट देना ये तुझे बताया, उसकी वजह से तब से लेकर आइडिया मेरा है, आइडिया मेरा है, झगड़ा कर रहा है क्या? अगर आते जाते गैप में साल में एक बार तुझे आइडिया दे दिया ना, तो वो आइडिया ओरिजिनली किसका है ये जानने के लिए कोर्ट में चला जाएगा और World War III हो जाएगा। अरे जाने दीजिए बॉस, पब्लिक सब जानती है बॉस कौन है रियल स्टार। जो रियल है वही फाइनल है, उसके बाद तो सारी जेरोक्स कॉपी है, ये बात तो पूरे देश को पता चल गई है। वैसे बॉस हम लोगों का नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान? हाँ हाँ, मालाश्री। ये दोनों क्वीन नेकलेस है, इसका मतलब ये अवली जवली है। इसमें एक डुप्लीकेट है और दूसरा ओरिजिनल है। एक का रेट 10,000 है, दूसरे का रेट 50 लाख है। ऑपरेशन पान ब्रोकर भूक लाला जेंट स्टार्ट। नमस्कार सेठ। हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार, आइए आइए बैठिए बैठिए। हाँ बताइए कैसे आना हुआ, क्या चाहिए आपको? वो मेरी दादी को मैसूर महाराजा के यहाँ पे डे नाइट काम करने की वजह से खुशी में 50-60 लाख का ये सुंदर नेकलेस गिफ्ट में दे दिया है। ओ, तो इसे आपके पास गिरवी रखने आया हूँ। बहुत ही सुंदर है, 50 लाख का। भाई तुम्हारा ट्रेलर तो बहुत ही बढ़िया है, अब पूरी फिल्म कैसी होगी मैं टेस्ट करके बताता हूँ। टेस्ट कीजिए ना, चेक कीजिए, आराम से चेक कीजिए। मिस्टर सीनू, आप जो ये चीज लेकर आए हैं वो है तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप जो अमाउंट मांग रहे हैं वो मैं नहीं दे सकता। देखिए मैं आपको 15 से 17 तक ही दे सकता हूँ, और महीने का सिर्फ 2 लाख इंटरेस्ट होगा, चलेगा? देखिए 35 लाख रुपए दे दीजिए, इंटरेस्ट कितना भी रहने तो कोई बात नहीं है। तुम्हारी मर्जी भाई, अगर गुलजार की फिल्म के लिए सलमान खान का रेट मांगोगे तो कैसे चलेगा बताओ? देखो इसका मैं तुम्हें हद से हद 18 लाख दे सकता हूँ। नहीं रहने तो सेठ जी, अपना मामला सेट नहीं हो रहा है। मुझे लगा था आप बड़े सेठ हो तो बड़ा अमाउंट दोगे, इसलिए आपके पास आया था। लेकिन छोड़ो जान दो, आप बस ऐसी बातें करते रहते हो, लगता है ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दिया। वैसे सेठ जी बोला ना भाई, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे बहुत अर्जेंटली पैसे चाहिए। जाने दो आपके पास ही रख देता हूँ, आप भी हमारी आदमी हो। चलो लास्ट रेट कितना दोगे बता दो। तुम्हारी ना मेरी पूरे 20। 20 लाख? चलो कोई बात नहीं, मेरी दादी का नेकलेस खो गया ऐसे समझ लूंगा। जितने पैसे लेकर गया है ना उसका इंटरेस्ट ही नहीं भर पाएगा, कहाँ से वापस लेकर जाएगा ये नेकलेस, अब तो ये मेरा हुआ। पकड़ो 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 मालाश्री। वाओ अंकल कितना खूबसूरत है ये नेकलेस। अरे वो नेकलेस 5,000 का भी नहीं है, क्या करेंगे उसे ले जाकर वापस दे। अंकल मैं इसके 1 लाख रुपए दूंगी। 1 लाख? 1 लाख? इस नेकलेस को देखकर जब आप खुद ही फिसल गए हैं, तो जब मैं इसे पार्टी में पहनकर जाऊंगी तो गारंटीड सबके सब फिसल जाएंगे। अंकल जी मुझे किसी भी हालत में चाहिए। बेटी ये नेकलेस ऐसा ही है, जो देखता है फिसल जाता है, इसीलिए मैंने किसी को नहीं दिया। अब तू इतने प्यार से इसे लेना चाहती है तो मैं तुझे देता हूँ, उधर जाकर 1 लाख रुपए दे दे और लेकर जा, ठीक है ना? अंकल यू सो स्वीट। सर सर, चोर चोर, ये चोर है, सब लोग यहाँ पर जल्दी से आओ।
पुलिस। अरे कैसी पुलिस? पुलिस के कपड़े पहनकर तू पुलिस वाला बन जाएगा क्या? टोपी वाला है तू, फ्रॉड है। अरे सब लोग जल्दी से आओ, तुम्हारा पैसा सेटल करने यहाँ पे आया हूँ। ये 20 लाख रुपए और ये इंटरेस्ट, यही है ना तुम्हारा दिया हुआ रसीद? सब लोग देखो, भाई लोग रसीद देखो, 50 लाख का नेकलेस मैंने इनके पास गिरवी रखा है। मेरा नेकलेस मुझे चाहिए, चलो निकालो जल्दी नेकलेस। नेकलेस? अगर तू अभी के अभी मुझे 30 लाख के साथ साथ 20 लाख रुपया भी नहीं देगा ना, वो चोर है। इधर है वो, इधर है वो। ए, कुछ देर पहले तू मुझे चोर बोला था और अभी किसी और को चोर बोल रहा है क्या? पुलिस वालों को बेवकूफ समझ कर रखा है? तेरी दुकान को सील कर दूंगा। अगर इसे बचना चाहता है तो ईमानदारी से पैसे दे दे, चल जाके पैसा ले गया। ओ भगवान को याद कर रहा है, पुलिस को धोखा देता है। पुलिस वाले को धोखा देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी इधर बैठ कर रोता रहा है, समझा? पुलिस को धोखा देता है, पुलिस को, वो भी मेरे जैसे। तुम्हें क्या लगता है तुम जेम्स बॉन्ड हो? हैं? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बॉसों का बॉस हूँ, यहाँ का राजा जेम्स बॉन्ड। हैं? तू मुझे बेवकूफ बनाएगा? हैं? क्या है ये? क्या है ये? ये तुम्हारा नेकलेस है सर? यही नेकलेस लेकर के भाग रहा था ना? अपनी जगह से बिल्कुल मत हिलना, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, सरेंडर। अभी अगर तू एक शब्द भी बोला, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। यहाँ पर जो खड़े हैं उनको तूने क्या समझ के रखा है? ये सब मरे हुए नागरिक हैं क्या? अरे पागल, ग्रेट इंडियंस भारत के सच्चे नागरिक हैं। मारो तालियां। वो भी एक ग्रेट पुलिस ऑफिसर को पब्लिक के सामने गन दिखाता है क्या? हाँ, वो भी एक लौती लड़की को, एक सुशील भारतीय नारी को पकड़ कर लेकर जा रहा है। क्या है ये सब? इसी तरह एक इंसिडेंट है, पड़ोसी देश का नागरिक हो या फिर किसी और देश का नागरिक हो, वो सब अपना काम देख कर निकल जाते थे, लेकिन ये इंडियंस मरे हुए नागरिक है क्या? उनको कुछ काम नहीं है इसलिए खड़े है क्या यहाँ पर? ओए, ये सब लोग तेरे टुकड़े टुकड़े करने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। तेरे पास बंदूक है तो तू कुछ भी कर सकता है, और ये नागरिक चुपचाप रहेंगे ऐसा कभी मत समझना। देखना चाहता है, अगर तू इनको एक लात मारेगा तो ये सब लोग तेरा सर तोड़ने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, या फिर तूने इनको ऐसे थप्पड़ मारा तो देख इनका गुस्सा, देख तुझे काटने के लिए दौड़ेंगे। ऐसे कमीने चोर अगर पुलिस का अपमान करेंगे तो तुम सब लोग क्या करोगे बताओ? चलो जल्दी इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। चोर का वेश नहीं लूंगा, ये बसा क्या चीज है यार? इस बार पुलिस की ड्रेस पहन कर दिखाऊंगा कि रघुराज क्या चीज है। बसा मुंह तोड़ दिया उसने। स्विस बैंक में रखा हुआ पैसा भारत में आएगा क्या? देश को जिन्होंने लूटा है क्या उन्हें सबक मिलेगा? रुकिए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। इस देश को जिसने हिला दिया है, ब्लैक मनी की वजह से और डीमोनेटाइजेशन की वजह से बड़े भाई को लूज मोशन हो रहे हैं। सर फोन। हाँ बोल रहे, क्या हुआ? अरे हम आ जाऊंगा ना, तू टेंशन क्या ले रहा है? तेरा कितना लोड अटका है? हाँ हाँ 5 लोड एक साल में तूने इतना चोरी कर लिया है वहां से? हाँ क्या सर, सुबह सुबह झूठ बोल रहे, कुछ तो सोचो ना सर। दूसरा का पैसा मतलब झोल होता है, कभी सुना नहीं तुमने? लोड माने पैसा, पैसा तुम सब लोग को तो समझ में आया ना? अरे चुप रहिए आप लोग, ड्रॉप कर देंगे एकदम से, बात करने दीजिए। हाँ स्विस टॉयलेट में तूने मुझे छोड़कर अपना घर बसा लिया है यार, मैं तेरा काम कर दूंगा, ये ले यार फोन लगा। अरे सर ये स्विस टॉयलेट क्या है सर? स्विस टॉयलेट मतलब स्विस बैंक है यार। बोलिए डैडी। ओ बेटा, स्विस बैंक का टॉयलेट का पूरा गंदा साफ करके लेके आना पड़ेगा। उसके लिए जो भी चीज लगेगा वो हम तुमको दूंगा, तू इधर आ जा, हम तुम्हारा गेम बजाता हूँ। गंदा? गंदा मतलब सीक्रेट कोड है भाई, सीक्रेट कोड। स्विस बैंक से पैसे लेकर आने के लिए सीक्रेट कोड चाहिए ना? वही। थोड़ा शांत रहिएगा अब, आप टॉक कर लेने दीजिए। तो जल्दी आ जा भाई। वो जो भी गंदा है ना वो फोन में ही दे देना, यहीं से स्विट्जरलैंड चला जाऊंगा, गंदा कोड डाल के बचा कुचा माल सब ले आऊंगा। ये क्या बोल रहा है फोन में? वो निकम्मा लोग फोन टैप किया होगा, तुमको पता नहीं है? मैं तो इसे देख लूंगा। अरे सर ये गाली किसको दे रहे हैं? अरे गाली हम तुमको नहीं, सीबीआई वाला को दे रहे हैं, और आप लोग थोड़ा शांत रहिए ना। है जल्दी आ जा तुम। अभी निकल रहा हूँ डैडी, एकदम जल्दी पहुँच जाऊंगा। स्विस बैंक का पैसा तेरे हाथ कैसे लगेगा मैं भी देखता हूँ। जब तक हम हूँ तब तक डरने का कोई जरूरत नहीं है। सर 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 सर, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है सर। ये क्या बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ सर, एक्सीडेंट हो गया इसलिए उनसे फोन पे बात नहीं हो पा रही है। जो आपने गलत तरीके से पैसे कमाया है ना, ये उसी का असर है सर। आपके पाप की वजह से आपके बेटे के साथ ये सब हुआ है। अब आपके पास एक ही रास्ता कि आप पूरे परिवार के साथ भगवान कृष्णा से प्रार्थना कीजिए। हे कृष्णा, आखिर तुम्हारी सेवा में क्या कमी रह गई जो तुमने मेरे बेटे को इस तरह सजा दी है?
50 करोड़ रुपया हम यहाँ से ले जाकर स्विस बैंक में रखा हूँ, इसलिए पेट पेट चलने लग गया तुम्हारा हा? मेरे बेटे को तुमने कोमा के स्टेट में डाल दिया। तुम पहले बहुत सीधा साधा थे क्या, या अभी सीधा साधा बन गए हो? मक्खन नहीं चुराया या लड़कियों के साथ रास नहीं रचाया तुमने? चुपचाप सही सलामत मेरे बेटे को जिंदा लेकर आए तो ठीक, नहीं तो जान लो उस मेट्रो रोड को मैं इस साइड में लगवा दूंगा। आखिर तुमने समझ क्या रखा है, है? तेरी तो, मेरी बेइज्जती करवा रहे हो? इतनी सेवा किए हैं हम तुम्हारी है? कौन है, है? कहे रे, कहे, कहे चिल्ला रहा है से? कौन है तुम? सर, सर आपका बेटा। क्या हुआ, क्या हुआ हमारे बेटे को? अभी फोन आया था, आपका बेटा मर गया। भगवान, वन रुपी प्लीज। लंदन मिस की कॉलिंग, वन रुपी प्लीज। अरे यार, तुझे इंग्लिश नहीं आती क्या? देख भाई, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अंग्रेजी में ना बात करें। अंग्रेजी में बात करो और देश की शोभा बढ़ाओ। ये लो 1 रुपए, और इस रुपए से बड़े बनकर देश का नाम रोशन करो। मिस्टर इंडिया, इतना दिन से हम इंग्लिश के लिए हाथों पर मार खाते आए हैं, अब से आने वाले इंग्लिश के हाथों से कैसे मार खाएगा देख। उस दिन तेरे जैसे मिस्टर इंडिया वालों का सर मुड़वा दिया था मैंने, उसी का श्राप मिल रहा है मुझे। श्राप मिल रहा है, मेरा बेटा एक्सीडेंट में मर गया, मुझे भी हार्ट अटैक आया और मैं भी मर रहा हूँ। स्विट्जरलैंड से पैसा आ रहा है और उसे देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मेरा बेटा भी नहीं रहा। अपने मरने से पहले सारा सीक्रेट कोड तुम्हें बता दूंगा। अब सारा तुम ही एंजॉय करो, आजा आजा। अरे मेरे बेटे, तुम तो अभी तक जिंदा हो, तुम मर गए हो ये सुनकर मैंने सारे सीक्रेट को इसे बता दिए। अरे रे डैडी, आप एक नंबर के बेवकूफ हैं। 100 करोड़ का सीक्रेट कोड इस मनहूस भिखारी को बता दिया। ए रुक रे, कहाँ भाग रहा है तू? आप तो मर गए, मरने के बाद बीच में क्या आ रहे? ए भिखारी तू रुक रे, कहाँ भाग रहा है? ए रुक जा रे तू, मुझसे बात किए बिना कहीं नहीं जा सकता है। देखने में छिछुंदर की तरह है और पावर स्टार की तरह जब मार रहा है। कमीने, मेरे बाप ने जो सीक्रेट कोड बताया जल्दी बता। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं पता। मुझे जेल में डलवा दूंगा, सच बता। कुछ नहीं जानता, मैंने कहा ना। कुछ नहीं पता मुझे। नाटक मत नहीं, कर नहीं। बता। मत मारो, सीक्रेट कोड बताया नहीं। कुछ ही नहीं जानता। नाटक मत कर, बाप ने जो कोड बताया है वो बता। डॉक्टर, कैसा है वो मिस्टर इंडिया? सर पर जोर से चोट लगने की वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, क्या मतलब है इसका? मेरा मतलब है कि आप लोगों ने गजनी फिल्म देखी है ना? हाँ, देखी है। उसी तरह हो गया है। अरे बाप रे, कोड नंबर जिसको पता वो गजनी हो गया। बॉस, इसमें 4 टन चंदन की लकड़ियां हैं, पक्का कच्चा माल है। इसमें 10 लाख रुपए हैं, ये काम आपको ही करना है। थैंक यू बॉस, थैंक यू। बॉस, ये सैंडलवुड डील को आपने इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसे इतनी ही आसानी से ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे बॉस? वो राम रघु तो हम जहाँ से भी जाते वहीं आकर अड़ंगा डाल देता है बॉस। वो रामा रघु चाहे कहीं पर भी गेट डाल दे, लेकिन उस गेट से कैसे पार होना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। पता है क्या? हाँ, नहीं पता है ना, ये तेरी प्रॉपर्टी है, मुझे नहीं पता। 1 लीटर गाय का दूध पीने वाला लगता है, ये तेरा पति है ना? तभी तो बाहर निकल फिर देखता हूँ। हेलो सर, अब से 1 घंटे के बाद बसक मैसूर रोड पर चंदन की स्मगलिंग करेगा सर। छोड़िएगा मत। बसक, हे, डालो मैसूर रोड पर नाका बंदी।
अब आगे उन लोगों का ध्यान पूरा मैसूर रोड पर रहेगा। हम मैसूर रोड से चंदन की लकड़ियां स्मगलिंग करेंगे ये सोचकर हमारा वो इंतजार करेंगे, लेकिन हम आराम से कनकपुर रोड से चंदन की लकड़ियां ले जाएंगे। वो बसाक बहुत खतरनाक है, खिलाड़ी है, उसी ने किसी को फोन करके हमें बताने के लिए कहा होगा। सारे पुलिस फोर्स को मैसूर रोड पर भेजकर कनकपुर रोड से चंदन के लकड़ियों की स्मगलिंग कर ले। वाह, क्या दिमाग है सर आपका। IPS जस्ट फेल हूं भाई। ए, नाकाबंदी को कनकपुर रोड पर शिफ्ट करो। स्टॉप इट। क्यों बॉस? अगर हम खिलाड़ी हैं तो वो कमीना खिलाड़ियों का खिलाड़ी है। हमने ही उसे इन्फॉर्मेशन दी है, ये उसे पता चल गया होगा, तो उसने नाकाबंदी को मैसूर रोड से कनकपुर रोड पर शिफ्ट कर दिया होगा। इसलिए अब हम उसे सुपर तरीके से टीज करेंगे। हमने पहले जैसे सोचा था, हम अपनी लकड़ियां मैसूर रोड पर ही छोड़ेंगे। चेंज द रूट टू ओरिजिनल रूट। ओके बॉस। कंफ्यूज। वो बसक जो है मैसूर से चंदन की लकड़ियां स्मगलिंग करेगा, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन मैं कनकपुर रोड पर नाकाबंदी डालूंगा ये उसे पता चल गया है। लेकिन वो मैसूर से ही चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग कर देगा, इसीलिए अभी मैसूर रोड पर नाकाबंदी करनी क्या सर? दोनों तरफ नाकाबंदी करनी है। स्टॉप इट। क्यों बॉस, क्या हो गया? उस रामा रघु ने और दिमाग लगा के मैसूर और कनकपुर दोनों जगहों पर अगर नाकाबंदी कर दी तो हम क्या करेंगे बॉस? और एक लॉरी में वो जाली लकड़ी है ना, उसे मंगाओ। उसे क्यों? वो मंगा कर उन जाली लकड़ियों पर चंदन का परफ्यूम मारेंगे। हाँ। और इस चंदन की लकड़ियों पर गोबर डाल देंगे। हाँ। और दोनों वन बाय वन आगे पीछे छोड़ेंगे। हाँ। देखते हैं वो क्या कर सकता है। चलो ओके। रुको। मेरी रब ने बना दी जोड़ी। चंदन की लकड़ी। चंदन देखिए सर, चंदन नहीं है ये। क्या बोल रहे हैं सर? मैं क्या देख, चंदन ही है सर। ये जाली लकड़ी है, उस बसक ने इस जाली लकड़ी पर चंदन का परफ्यूम मारा हुआ है, हमें बेवकूफ बनाता है। ए बसक, इस लॉरी के पीछे एक और लॉरी है ना, वो भी लकड़ियों की लॉरी है ना, उसमें से एक पीस लेकर आ जा। सर गाड़ी में लकड़ी भी मिली है, इससे तो गोबर की बदबू आ रही है। बदबू? हाँ सर। ये परिमल है यार, परिमल। इस लारी को सीज करो। सर वो बसक है यार, असली चंदन के लकड़ी पर गोबर लगाकर हमें बेवकूफ बना रहा है। इस लॉरी को सीज करो, इस लॉरी को छोड़ दो। सीज करो। आप क्या कह रहे हैं सर? ठीक है सर, मैं आता हूँ। जाने दो। सीज करो, बाकी गाड़ी को छोड़ दो। बसाक। मुझे 100% पता था तू ऐसा ही करेगा। हाँ? इसलिए मैंने चंदन की लकड़ियों को चंदन की तरह ही रखा है और गोबर की लकड़ियों को गोबर की तरह रखा है। मतलब ये बसाक। बसाक क्या रे, तू टेस्ट पे टेस्ट किया जा रहा है, इस बार तूने डायरेक्टली मुंह में गोबर ही लगा दिया रे बसाक। अरे कभी भी टेस्ट देता रहूंगा तो पता चल जाता है यार, कभी कभी टेस्ट नहीं दिया तो वो भी ट्विस्ट बन जाता है। अभी जो दिया है वो कैसा था? बसाक। ओके बाय, सी यू। तू बोलता है कि मारू तेरे सर पर। ए रुक जा रे, इसे मैंने पिछली बार मारा था तो ये गजनी बन गया, अभी तू मारेगा तो मेमोरी इरेज हो जाएगी। ए पेपर्स की फाइल इसे दिखाया क्या? देखेगा तभी तो मुंह खोल के कुछ बताएगा। भागो भागो CBI, भागो 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 यहाँ से निकलो। अरे आ जा तू। मेरा बाप एक नंबर का ढरगी था, इस मनहूस भिखारी को कोड बता के चला गया, जिसकी वजह से CBI हमारे पीछे लगी है, अपने इकलौते लड़के को बर्बाद कर डाला। अरे दिखाऊ मैं, जल्दी भागो। ए तू भाग के मत जा रे। ए कमीने रुक रे। माय डियर सेक्रेटरी डॉन पाल्या, अभी तेरे सामने एक टायर आएगा और उस टायर के अंदर एक बॉडी होगी, वो बॉडी है मिस्टर इंडिया की।
सीबीआई मेरे पीछे पड़ी है, इसलिए मैं एक जगह पे आकर पूरा सेफ और सेटल हो गया हूँ। अब ये काम तुझे ही करना पड़ेगा, समझ गया ना? अब से ये डील मैं नहीं, तू हैंडल करेगा। जितना जल्दी हो उतना जल्दी उसके पास जो सीक्रेट कोड है उसके मुंह से उगलवा के मुझे फोन मत करना। मैं तुझे खुद फोन करूंगा, अंडरलाइन। सीबीआई वाले मेरा फोन टैप कर रहे होंगे, इसलिए हर एक सेकंड पर मैं अपना सिम कार्ड चेंज करता रहूंगा। मैं तुझे खुद कॉल करता रहूंगा। अब से मेरा फोन ओनली आउटगोइंग, नो इनकमिंग। जो काम दिया है वो ठीक से करना। गुड बाय। बनाया, पागल बनाया। गोबर की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, गोबर की लकड़ी। गोबर को चंदन बनाया, चंदन को गोबर बनाया, कंफ्यूज कर दिया उसने। फुल कंफ्यूज, फुल कंफ्यूज। हेलो, बसक स्पीकिंग। बसक। ओ रामा रघु, अभी मैंने तुझे फोन इसलिए किया है कि रात को करेक्ट 12 बजे तेरे सारे बंदरों को उठाकर तेरी पुरानी जीप में लेके एरिया में जो कृष्ण का टेंपल है वहां पर आ जा। ए, किधर है तू? किधर 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 है, किधर है? जिसने विष्णु रूप दिखाया था ना, उस कृष्णा की मूर्ति को मंदिर से चुराने का प्लान बनाया है। हाए, हाए, क्या रहे तो पुलिस वालों को चैलेंज करता है? हा? स्कूल में यही सिखाया है क्या? पूरे स्टेट में तुझे कोई दूसरा पुलिस वाला नहीं मिला क्या? मुझे ही पागल क्यों बनाता रहता है? तुझे मैं ही बेवकूफ मिला हूँ क्या? बोल बेटा। फ्लैशबैक याद कर ले। वही 23 साल पहले, साल 1990, 2 अक्टूबर की रात, जब गांधी जयंती थी, तब हमारी पूरी चोरों की फैमिली का एक बाल अपराधी गैंग था। हम सेंट्रल जेल से एस्केप हो गए और वहां निगरानी रखने वाला तू हमें पुलिस के साथ चेस किया। टाइगर प्रभाकर के रेंज में तू हमें चेस कर रहा था। उस समय तुझसे कैसे भागा जाए वो सोचते वक्त वहीं पर एक गांधी भवन को देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया फ्लैश हुआ। हमारी चोर की फैमिली को वो गांधी का भवन दिखा। मेरे पास जो आइडिया है वो उन्हें मैंने बताया। वो सब भी खुश हो गए और हम समंदर चले गए। सारे चोरों ने गांधी की टोपी ढूंढ ढूंढ कर अपने अपने सर पर लगा दी। उसी वक्त उसकी नजर मेरी टोपी पर पड़ी और उसने मेरी टोपी को छीन लिया और अपने सर पर पहन लिया। मैंने ही उसे आइडिया दिया और उसने मुझे ही बिना टोपी के छोड़ दिया। वो सभी लोग टोपी पहनकर बाहर आए। तुमने उन लोगों की टोपी देखकर उन्हें राज्य मर्यादा देकर ऐसे ही छोड़ दिया। तब मैं बिना टोपी के बाहर आया तो तूने मुझे चोर समझकर बहुत मारा और बाद में जेल में डाल दिया। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अगर उस दिन तूने मुझे बिना टोपी के छोड़ दिया होता तो आज मैं बहुत बड़ा टोपी वाला होता, स्विस बैंक में मेरा अकाउंट होता और टॉप फ्लोर की पूरी तिजोरी मेरी होती और उसमें अरबों रुपए होते। लेकिन तूने मुझे जेल में डाल दिया और मैं छोटा टोपी वाला चोर बनकर सीधे अंडरग्राउंड में पहुंच गया, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। बेटा ये कौन सा फ्लैशबैक है? फ्लेबिला स्टार अमरीशा जूनावाला वकील और बिले चक्रव्यूह मूवी के कहानी जैसा लग रहा है। चक्रव्यूह हो मत समझ से, आराधना है ये। तूने जो काम किया है, अगर तुझे कोई भी सजा दी जाए तो वो बहुत ही कम होगी, समझा? आजा आज रात को, आजा, तेरी लाइफ में भी एक भूकंप लेके आता हूँ, आजा। टाइम कितना हुआ सर? 12 बज गया सर। 12 बज गया क्या? 12 बजे आऊंगा, किडनैप कर लूंगा, ऐसा बोला था ना वो। ए बंदा। हे जंगली जानवर। हाँ। कैसा है रे? क्या रे, तू भी सुधरने वाला नहीं है, कितना भी समझाओ तुझे। हा? अरे कोई तो एक कमीना है जो ऐसा बोलता है। हाँ। कि श्री कृष्ण के घर पर चोरी करूंगा और तेरे दिमाग में ब्रेन है, बॉडी में ताकत है, तो मुझे आके रोक कर बता। इसलिए आज मैं उसे रोकने के लिए आया हूँ। तेरे को भी क्या? तू यहाँ पर कैसे? मुझे जिस कमीने ने फोन करके बोला सेम डायलॉग मेरे को भी बोला उसने। ऐसा क्या? हाँ, दोनों को। अरे बाप रे। हाँ, इसीलिए ये सेटअप है। ए, तू आज उसे बेल्ट पहना। हाँ। मैं उसे चेन डालूंगा। हाँ। तू बैक डोर में रुक के खेल खेल। हाँ। और मैं फ्रंट डोर पे रुक के फाइट करूंगा। ओके श्योर। अलर्ट। ओए कम 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 कम। हे कृष्ण, ये कैसा दिन आ गया है हमारा। कहाँ?
पकड़ लो। अरे किधर हो, किधर हो? हाँ अरे कहाँ हो, कोई नहीं दिख रहा है, कहाँ हो? हाँ शायद यहाँ से, यहाँ से। हाँ तू देख, तू देख, देख 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 देख। सर ये तो टेप रिकॉर्डर है सर। टेप रिकॉर्डर? इस टेप रिकॉर्डर से हम लोगों को बेवकूफ बना दिया उसने। उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। पंडित चल वो मूर्ति मुझे दे दे। सर अब एक पुलिस वाले हैं। कोई रूल है क्या कि पुलिस वाले चोरी नहीं कर सकते हैं? चुपचाप वो मूर्ति मुझे दे दे नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। हाँ चल निकाल। हेलो घूमो 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 घूमो। तुम्हारे जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ मैं, समझा क्या? हमें बेवकूफ बनाता है, हमें बेवकूफ बनाता है। छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? मैं ओमी का दोस्त हूँ, क्या कर रहे हो मेरे साथ? छोड़ो मुझे बेवकूफ। अरे नहीं मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ। बेशक तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? क्यों रे मुझे उल्लू बनाया है? पंडित जी आप भी सेफ हैं और आपका भगवान भी। भागना नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं। चोर कहीं के बचने की कोशिश कर रहा, बचने की कोशिश है। तुम गिरफ्तार हो चुके हो, चलो चलो चलो। क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने, है क्या कहा? बहुत बुद्धि और ताकत है मेरे अंदर, समझा? इसीलिए मेरे छोटे दिमाग ने तेरे ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। आखिर तू धोखा खा गया ना? अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझता है तू। नो 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 नो, समझ में आया कि रियल स्टार कौन है? किधर गया, किधर गया? He is real star. देखा ना, सच बोला मैंने। हेलो सर, क्या कहा सर? सर मुझे वही मूर्ति चाहिए। सेम मूर्ति चाहिए? सर वही मूर्ति चाहिए। सेम मंदिर? सर अरे पुजारी उसे साफ करने के लिए लेकर गया है। सर कंफर्म है सर? बॉस बॉस तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? अगले जन्म में उसी दिन पैदा होना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जैसा कैसे दिख सकता हूँ? कैसे दिख सकता हूँ मैं तुम्हारी तरह? तुमने कहा कि तुमने उसे अपने हाथों से चुराया है। तुम यहाँ जेल में बंद हो और तुम्हारे पीछे वो मूर्ति किसी और ने चुरा ली। कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है ये? अरे तू इस तरह से हंस क्यों रहा है भाई? सच्चाई बता दे यार, वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। बेवकूफ, ये किसी और ने चोरी किया, मैं तो उसका डुप्लीकेट हूँ। डुप्लीकेट? अरे कोई एक बार मास्क निकाले तो मैं विश्वास कर भी सकता हूँ। अगर जेम्स बॉन्ड मास्क निकालता तो तुमको चलता है, हीरो विलेन को मारे तो भी तुमको चलता है, लेकिन मैंने मास्क निकाला तो नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? बोलो बोलो बोलो, बोलना गोचू। यू इडियट। इसकी तो क्या हुआ रे बेवकूफ, वो पागल जो मूर्ति लेके भाग गया था वो मिला या गायब हो गया? अरे सर सब जगह घूम करके मैं यहाँ आपकी जगह पे वापस आ गया हूँ, यहाँ श्री कृष्ण भगवान के मंदिर के पास। यहाँ भगवान कृष्ण का माला जप रहा है और यहीं पर चुपचाप बैठ गया है। क्या कहा? मंदिर के पास? एक काम करो, उसे मंदिर के अंदर तुरंत लेके जाओ और उसे असली भगवान की मूर्ति दिखाओ। हो सकता है उसे देख के उसे कुछ याद आ जाए, समझे? अरे किसी ने कल रात को भगवान कृष्ण की मूर्ति चोरी कर ली है यहाँ से। क्या कहा? किसी ने भगवान की मूर्ति चुरा ली? इसमें जरूर इस बेवकूफ का कोई ना कोई हाथ होगा। तुम पहले जाओ और किसी भी कीमत पे वो मूर्ति उसके सामने रखो। बॉस दुनिया बहुत बड़ी है और वो मूर्ति बहुत छोटी, मैं कहाँ से ढूंढूंगा बॉस? हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम चाहे जो कुछ भी करो, मुझे किसी भी कीमत पे वो मूर्ति चाहिए तो चाहिए। या थैंक यू, थैंक यू। सलाम वालेकुम बॉस। हाँ मैं बसक। बसक? आपका नाम? हिकमतुल्ला, रहमतुल्ला, वहकतुल्ला, अबोतुल्ला। क्या यार, नाम पूछा तो सीधे मुंह पर थूक रहे हो। हमारा देश है दुबई, वहाँ पर वाटर की बहुत कमी है, इसलिए हम लोग हिकमतुल्ला, रहमतुल्ला, वहकतुल्ला, अबोतुल्ला, इस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। इसलिए तुम लोग कर्ची को जेब में ना रखते हुए सर पर लगा देते हो। शिव भाई,
तुमने जो माल मांगा था वो मैं लेकर आया हूँ। कैसा है? या अल्लाह, क्या खूबसूरत, क्या बात है। इस कृष्ण का क्या रेट है? 10 करोड़ से स्टार्ट करके, कम करके, ज्यादा करके, चौकसी करके, बार्गेन करके 6 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करें, या 6 करोड़ रुपया फिक्स है ये फाइनल करके ये कृष्ण की बांसुरी बजा देते हैं। मतलब कि 6 करोड़? ठीक है, हम आपको 6 करोड़ रुपए गिन गिन कर देंगे। लीजिए बसाक, अब क्या करेगा? ए शेख भाई, क्या यार उस ओसामा बिन लादेन की तरह बर्ताव कर रहे हो? क्या गनवन दिखा रहे हो मुझे? हे, मैं शेख नहीं, सांगली अन्ना का रिलेटिव हूँ। शेख नहीं हूँ ये पता चलने के बाद तेरा बॉडी हर जगह से शेख हो रहा है ना। बस खजूर के पौधे, चार्ली चैपलिन गन पकड़ लेगा तो क्या एक्शन फिल्म बन जाएगी? तो इस तरह का कॉमेडी शो करेगा ये मुझे पता था, इसलिए हमने कार्टून नेटवर्क ओपन किया है। अपने सर को थोड़ा शेख शेख करके देखना। क्या रे, जैसे मैंने सेटअप किया था उसे तूने पहले ही सेटअप किया हुआ है। मैं जानता था कि तू बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसीलिए तेरे लिए दूसरा चक्र भी क्रिएट कर रखा है मैंने। एक काम कर, अपने सर को इधर उधर घुमा के जरा देख ले। Hey, don't move. बसाक, अगर तू रिंग रोड कवर करता है तो हम आउट रिंग कवर करते हैं, समझा? Excuse me, कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे क्या? कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे, स्नैक्स लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। कुछ बोलो भी। क्या बोलता है? आउटर रिंग रोड, फुल इन माय कंट्रोल। आउटर रिंग रोड, हिला मत वरना गोली मार देंगे। जिसे सहारे की जरूरत नहीं आक्षी, वो सुर हूँ मैं। कमिश्नर के पास से अच्छा पद पाने वाला लड़का हूँ मैं। मरा तो भी, जिया तो भी, बहुत विशाल हूँ मैं, विशाल, समझा? तू शूरवीर है? अरे मूर्ख, सारी चीजों का कारण ये कृष्ण परमात्मा, इसके सामने आया तू एक मच्छर के समान। ये तो डीजे है, डीजे, डीजे। सारा सेटअप मेरे कंट्रोल में ऐसा नहीं सोचा था। साउंड और म्यूजिक के सहारे से उसने हमारी गन को भी बेवकूफ बना दिया। बसाक, हेलो, इन सब के पीछे कौन है आपको पता है क्या? अरे वही है अपना बसाक। क्या बसाक? अरे वो मेरा कजन ब्रदर है यार। ए, मेरे और बसाक के बीच बहुत बड़ा फ्लैशबैक है यार। उस फ्लैशबैक में उसकी टोपी छीन के उसे जेल भिजवा के ही तो मैं इतना बड़ा टोपी बाज बन गया हूँ। अगर उसने वो मूर्ति चोरी की है तो जरूर कोई बात होगी, इसलिए तू बहुत ही आराम से उसके साथ डील करके उस मूर्ति को हमारे पास लेके आ। मैं भी उसे एक बार फोन करके पूछूंगा, 91% वो नहीं देगा। अरे ये तो सिर्फ सैंपल था, अगर रियल में करेंगे ना तो इनका बैंड बजा देंगे। ए अशोक, अच्छा किया तूने, कम ऑन, कैरी ऑन। ये हिंदी फिल्मों में बजट हाई हो या कंटेंट हाई हो, हाँ। अगर सेंसर वालों ने ए सर्टिफिकेट के बाद भी कट कर दिया तो अकेले बैठ के देखना पड़ेगा। अब बोलो तुम्हें किस रेंज की फाइट चाहिए? हाँ? अरे भाई हमें इस रेंज वाले नहीं चाहिए, हमारे पास तो सिर्फ 4 डिशुम करने वाले भेज दे और ये रहा तेरा एडवांस, गिन ले। तुम लोकेशन फिक्स करके फोन करना, हम लोग सारा अरेंज कर देंगे। हाँ, ठीक है। हाँ। चलो रे आ जाओ। जाओ। चार पैसे दे रहा है और तेरे को चाहिए ऐश्वर्या राय, विपाशा बसु, कटरीना कैफ। इतने पैसे में नहीं मिलेंगी,
ऐसा है क्या? तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारी फिल्म इंडस्ट्री के 50 साल होने के बाद भी हम जैसे लोगों की यहाँ पर कोई इज्जत नहीं है। आर्टिस्ट कितनी मेहनत करता है जानते हो? हम आर्टिस्ट एसोसिएशन के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। हम गर्मी में बैठ के यहाँ काम करते हैं और तुम चिल्लर पैसे दे रहे हो। ऐसा है क्या? लेकिन यार तेरी बॉडी पर तो पूरा सोना ही सोना दिख रहा है। ऐ मैं सोना पहनूं या चांदी, ये मेरी मर्जी है। तू अपने काम से काम रख, चिल्लर पैसे लेकर आ गया। ऐ इसको एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लाई कर दो। करता हूं भाई। मुझे पता चला कि आपको आर्टिस्ट चाहिए। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, क्या बात है, कहिए ना। दरअसल वो सीन ऐसा है। अरे इससे क्या हो गया, ये क्यों पड़ा? मारो फिर इसको। हाँ तो मारो इसे, मारो। अरे बाप रे, ये तो खतरनाक है। अरे
ए इधर आ। बेटी बेटी बेटी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ये तो भगवान की कृपा है। अरे वाह सर, आप तो भाई की तरह भाई की तरह भाई की तरह एंट्री लेकर मेरी बेटी की जान न बचाते तो वो निकम्मे गुंडे शक्ति कपूर की तरह एंट्री मार के रेप कर देते सर, रेप कर देते सर, कर देते सर। आपका धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद सर। कोई बात नहीं। वैसे ये सब लोग तुम्हारे पीछे क्यों लगे थे, क्यों तुम्हारा चेस कर रहे थे, व्हाट इज द मैटर? मेरे पापा कोमापुरा कृष्णपुरा मंदिर के इंचार्ज हैं, प्रधान अर्चक, मेन पुजारी। किसी कमीने चोर ने मंदिर के कृष्ण भगवान की मूर्ति चोरी कर ली और उसी दिन से मंदिर के सारे ट्रस्टीज, सारे ओनर्स मेरे डैडी को भी दोषी मान रहे हैं। कहते हैं मूर्ति दो नहीं तो अपनी बेटी को भेज दो। ऐसा है क्या? हाँ तो फिर सर, वो मूर्ति मिलने तक हमें नहीं छोड़ने वाले हैं सर, और हम आपको नहीं छोड़ेंगे सर। हा? हाँ सर, आप पुलिस ऑफिसर है ना सर, प्लीज आप ही कुछ कीजिए सर। कृष्णा को किडनैप करने के बाद नाइट में कन्वर लाल का फोन और डे में राधा की लाइन, कहीं ना कहीं कुछ तो कनेक्शन लग रहा है। ये कृष्ण के पीछे बहुत बड़ी स्टोरी हो सकती है, अभी पता करता हूँ। देखिए आप चिंता मत कीजिए, वो मूर्ति भले ही एक हफ्ते हो, दो हफ्ते हो, तीन महीने हो या कुछ भी हो, मैं ढूंढ के लाऊंगा, इतना पक्का। ओके लेकिन तब तक तुम लोग मेरे साथ नहीं रहोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये लड़की मेरे साथ रहेगी। मतलब आप ही ने तो कहा है ना कि लड़की तकलीफ में है, वो लोग इसके साथ अत्याचार कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला। उसके बाद तो आपकी मर्जी, आप जो चाहे बोलो। थैंक यू सो मच, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अच्छा, बिल्कुल नहीं भूलूंगी। ऐसा क्या? वन मिनट। हाँ हाँ कालिया, हमारे एरिया में कोई जगह है क्या? ए, देख बे, पी के सोया है। ये तो मारने के बाद भी नहीं उठ रहा है। टोपी सीधा कर दे। पुलिस ऑफिसर हूँ ना, ट्रिपल राइड, चार राइड, राइड राइड, फाइव राइड, कितने भी राइड करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पकड़ बे, उतार इसे, गाड़ी पार्किंग में लगा दे। जब मैंने ये घर लिया था तभी 250 रुपया पर स्क्वायर फीट था और अभी 25,000 है। ये क्या, रोबोट फिल्म में जैसे रजनीकांत ने गन निकाली थी, अब चाबियों का गुच्छा निकाल रहे हैं। उन्होंने गन निकाली थी ऐश्वर्या राय को उठाकर ले जाने के लिए, और मैंने ये चाबियां निकाली हैं इस सुंदरी को अंदर ले जाने के लिए। ओम नमः शिवाय। वो बोले तो मेरे बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत सारे डोर्स हैं, इसलिए बहुत सारी कीज़ हैं, उसकी वजह से इतना सारा कंफ्यूजन। ओम नमः शिवाय। ये चाबी सेपरेट निकाल कर रख देना। के बाद आओ अंदर, कोई होगा तो नहीं ना इस घर में? वाओ, इतना सुंदर घर मैंने आज तक नहीं देखा है। इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं? तुमने अली बाबा 40 चोर की स्टोरी सुनी है क्या? हा? उसी तरह 40 घर को एक ही अली बाबा, ये है मेरी स्टोरी। मतलब? मुझे लगा देखते ही समझ गई होगी। वो सब जाने दो, मैं सब डिटेल बाद में बताऊंगा। ओके प्लीज कम। कोई है तो नहीं ना? इट्स ब्यूटीफुल। देखिए पूरा बंगला आपका, ये समझना। आइए आइए बैठिए बैठिए। इस घर में 12 बेडरूम, 8 बाथरूम, 2 किचन और 1 पूजा का रूम है। आप परम पूजा करते रहिए, आप परम बाथरूम में सोइए, आई मीन बेडरूम में। ओनर आया तो संभल कर रहना। मतलब ये जो गुंडे है ना वो ओनर के नाम से आ जाते हैं, इसलिए संभल कर रहना। तब तक मैं मूर्ति का लोकेशन, कनेक्शन, पोजिशन, इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल समझ कर आता हूँ। डाउट रहेगा तो फोन करना। दिया ही नहीं आपने अपना। क्या? मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर 99 और उसके आगे बहुत सारे 0। ओके याद रहेगा ना? ओके बाय, फोन करना। ओके बाय बाय। दिया ही नहीं आपका, अगर ये बोले तो मैं क्या समझू, डबल मीनिंग। कमीने, अकल नहीं है तुझमें?
मसल दूंगी। ए, दिमाग क्या घास चढ़ी है? बार बार पर मुझे उसकी तरफ पुश क्यों करता है? अबे बुड्ढे, तुझे आलोक नाथ का रोल करने भेजा था, शक्ति कपूर का नहीं, समझ गया? ए, ए, ए। क्यों रे, सीनियर आर्टिस्ट के ऊपर हाथ उठाती है? पैर काट कर रख दूंगा तुम्हारे। वो क्या है कि मेरा डेट्स का प्रॉब्लम है, जल्दी मूर्ति मिल जाए इसलिए थोड़ा टच करवा दिया। हाँ? और तू बहुत बड़ी हीरोइन है ऐसा कहती है ना, ये सीन तुमने ऐसा किया है तो इसके बाद रोलिंग है, हगिंग है, किसिंग है, ये सब कैसे करने वाली है तू? नए जूनियर आर्टिस्ट की तरह बिहेव करना छोड़ दो, हीरोइन की तरह करो। क्या बे? हाँ? अरे एक्टिंग। पापा, ये कितना जल्दी आ गए ना। वो उस मूर्ति के बारे में इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी मिल गई आपको? छोटा शकील का भाई बड़ा बदमाश बिस्मिल्ला खान, वो यहीं कहीं पर है। हाँ, यहीं कहीं पर आसपास में छुपा है। अगर ऐसा है तो मोस्टली जाकर उस पर अटैक करना और मूर्ति मुझे लाकर देना, प्लीज। नहीं, अटैक कर सकते हैं ये तो मैंने सोचा, बट क्या बोले तो वो बिस्मिल्ला खान है ना, वो एक तरह से मैड है, वो ओम प्रकाश से AK-47 भी लेकर बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा रिस्क का मामला है। तुम AK-47 से डरते हो? नहीं, AK-47 से डरता हूँ इसलिए नहीं, लेकिन हाँ, फिर भी हमारी तुम्हारी पहचान होके 2 हफ्ते नहीं हुए हैं, हम में और तुम में क्या है, मतलब हमारे में वो सब कुछ हुआ ही नहीं, और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों के लिए इतना रिस्क क्यों लूँ, मेरे में और तुम में आखिर संबंध क्या है? तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, कुछ भी संबंध नहीं है, बोलो ना। इतनी जल्दी, इतनी ओवर एक्टिंग, इतना लव, इतने इमोशंस, देखने वाले हमारे लोग कभी नहीं मानेंगे इस बात को। कौन से लोग सर? हमें देखने वाले सिनेमा के लोग हैं। सिनेमा क्या? लाइव बोले तो एक सिनेमा ही है ना डार्लिंग। ऐसे सिनेमा में हीरो हीरोइन के बीच में एक अच्छा रोमांटिक सीन, या फिर स्विट्जरलैंड में एक प्यारा सा डुएट सॉन्ग, इतना सारा रिस्क झेल के मैंने वो मूर्ति तुझे लाकर दी, तो देखने वाले हमारे लोग सीन सही है ये कहकर सीन को फाड़ कर फेंक देंगे, पेपर पर सीन सही है ये कहकर एक रिव्यू लिख देंगे, तो ये सब नहीं होना चाहिए, तो हमारे बीच में थोड़ा सा स्विट्जरलैंड डुएट सॉन्ग सोच ले, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द सिनेमा लैंग्वेज, ओके, बिकॉज यू आर ए जूनियर आर्टिस्ट एंड यू आर सीनियर आर्टिस्ट, ओके बाय। लाइफ एक सिनेमा ही है। नेक्स्ट प्लान क्या है? क्या स्विट्जरलैंड? अरे कैसी लड़की है तू? अगर मैंने कभी कुछ मजाक में कह दिया तो तू उसे रियल समझ बैठी है क्या? हेलो, मैं क्या करूँ? हाँ, वो बहुत स्लो है, उसकी बॉडी पर गिरने के बावजूद, उसकी आंखों में आंखें डालने के बाद भी उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हट, कह रहा है कि जब मुझसे क्लोजनेस होगी तब जाकर वो मूर्ति लाएगा, इसलिए तुम जल्द से जल्द स्विट्जरलैंड की 2 टिकट्स बुक कर दो। अरे यार, मैं क्यों इसके पाले पड़ गया इस रियल स्टार के पीछे? ठीक है, मंजूर है, अगर सागर में से 2-3 घड़ा पानी निकल भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा, 2 टिकट चाहिए ना, बुक कर दूंगा। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, जाते समय वो सॉन्ग हरे कृष्णा के पास से करवा के जाना। हरे कृष्ण के? हाँ? उनका म्यूजिक बहुत धमाकेदार होता है, अंग अंग फड़कता है। ए, चंपापुर का चिंपांजी, उसके पास से तुझे मूर्ति लाने को कहा था ना, से स्विट्जरलैंड भेज के हनीमून करवा रहा है तू? अरे आप टेंशन मत लीजिए बॉस, वो स्विट्जरलैंड से वापस आ चुका है, पूरा मैच फिक्स हो चुका है, अब 2-3 दिन में मूर्ति हमारे हाथ में आ जाएगी। कल तक वो मूर्ति मेरे हाथों में देके उस मिस्टर इंडिया के साथ मीटिंग किया तो ठीक है, नहीं तो तुझे बाथरूम में पटक पटक के मारूंगा। बसक, मैं तुम्हें बस कहकर बुलाऊं क्या? बस? नहीं शोना, बस बोले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा लगता है, बहुत से लोगों को चढ़ाता है उतारता है, चढ़ाता है उतारता है, मैं तो एक तरह से सिंगल राइडर हूँ, मुझे तुम प्यार से पल्सर या पल्सू बोलकर बुलाओ। क्या हुआ, ऐसे रो क्यों रही हो शोना? मुझसे अब कुछ सहा नहीं जा रहा है, इतने दिन से अपने दिल में छिपा कर रखी हुई। मैं बताता हूँ, तुम सिनेमा में कलर मार के छोटा मोटा कैरेक्टर करने वाली एक जूनियर आर्टिस्ट हो। हाँ? तुम्हारे डैडी सीनियर आर्टिस्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम दोनों बाप बेटी हो ही नहीं। मेरे पास तुम लोगों का आने का मकसद दरअसल मूर्ति की चोरी करना है। ये सब मुझे कैसे पता, यही सोच रही हो ना? तुमने जब फिल्मी स्टाइल में फाइटिंग का सीन क्रिएट किया और तुम दोनों बाप बेटी ने घर में बात की तो वो मैं सब सुन रहा था। फिर भी मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ पता है?
Sincerely, I love you. Yes, I love you. Really? Yes. I love you too. Sir! I love you too. Sir! I love you. Sir, sir! Really, I love you. Sir, sir! I really बहुत बड़ा अनर्थ हो गया सर. मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है. प्लीज बचा लीजिए सर. उसे बचा लीजिए सर. ओए, तेरा दिमाग ठिकाने पर है क्या? थू तुझ पर तो. तेरी बेटी को जकड़ कर बैठा हूँ क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूँ. जाए यहाँ से चल. सर, सर, आंखें खोल के देखिए सर. मैं पेड़ को जकड़ कर बैठा था. हाँ सर. तेरी तो क्या जिंदगी है यार. कब मिलेगा मुझे मेरा प्यार? उसके बारे में सोचकर पार्क में ही ड्रीम करने लग गया हूँ आजकल मैं. हाँ, क्या है तेरी प्रॉब्लम बोल. सर, कुछ गुंडों ने मिलकर मेरी बेटी का किडनैप कर लिया सर. अब आप ही को बचाना होगा सर. हाँ, और फिर मूर्ति लेकर आओगे तो ही तुम्हारी बेटी को छोड़ेंगे, ऐसा भी बोला होगा. हाँ बोला सर. हाँ, आपको कैसे पता चला सर? अरे मुझे सारी बातें पता है. वो सब जाने तो तुम्हारी शूटिंग वूटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? शूटिंग है सर, लेकिन वो प्रोडक्शन वाला मैनेजर कह रहा नहीं होगा सर. क्या करूँ सर? सर, एक पुजारी को आप सिगरेट पिला रही है, क्या कर रहे हैं? तेरे बारे में मुझे पता नहीं है, ऐसा समझ रहा है क्या? जानता हूँ तू कौन है क्या है. तू तो पुजारी है ही नहीं. और ये तेरी बेटी नहीं है, ये भी मुझे पता है. तू जैसा बोल रहा है वैसा मैं क्यों नाच रहा हूँ पता है? तू क्यों उस मूर्ति के पीछे पड़ा है? उस मूर्ति में ऐसा क्या स्पेशल है ये जानने के लिए? ओए कमीने, कहाँ है तेरी बेटी? कहाँ पर है वो? जल्दी आ, बिना कोई नाटक किए मुझे इंतजार करना अच्छा नहीं लगता. उस मूर्ति को मेरे सामने जल्दी से रख दे, वरना तेरी लवर को हमारे लड़के लोग नोच नोच के खा जाएंगे. इस रियल विलन से अब सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो बसक. तुम रियल स्टार हो, तुम्हें मुझे बचाना ही होगा. प्लीज सेव मी बसक. डोंट वरी, आई विल सेव यू. मेरे लड़के लोग तेरी लवर का रेप कर देंगे. बाप रे, प्लीज प्लीज रेप मत करना. वो तो मैं बाद में कर लूंगा. हाँ, तुम्हें मूर्ति चाहिए ना? हाँ, तो ये लो. पहले उस मिस्टर इंडिया को सेफली लेकर जा. Thank you.
है, क्या है, क्या है इस गोली में, क्या है? यही है मिस्टर इंडिया, इसका और उस मूर्ति का बहुत बड़ा कनेक्शन है, जरूरत है तो देख ले। मिस्टर इंडिया कौन है ये? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ए, सेफली लेकर जाओ इसे, घेर लो इन सबको। प्लीज मुझे छोड़ दो भाई, हिसाब चुकता है, बहुत सारा पैसा है इसमें, यही सोचकर इस मूर्ति और तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, प्लीज मुझे कुछ मत करना। वैसे मैंने इतने दिनों तक जो ये फील्डिंग की, अगर इसके बदले कुछ मिल जाएगा तो मेहरबानी होगी। तुमने अगर इसे छोड़ा तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुझे इतनी हेल्प की मैंने और मेरे ही सिर पर गन रखा, तुझे तो मैं। हेलो हेलो, कूल 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 डाउन। सर बॉस है आपके बड़े डैडी, मतलब मेरे बॉस का फोन। सर ओनली आउटगोइंग, नो इनकमिंग। मिस माला श्री, इस कमीने के फोन का स्पीकर ऑन करके सिर्फ सुमिता से भी थोड़ा ज्यादा ऐड करके बात करो, मैंने जैसा कहा वैसे ही बोलना। ए, क्या हुआ बे मेरे काम का, मिली क्या मूर्ति, बताया क्या उसने उस सीक्रेट के बारे में? हेलो, मैं डॉन की सेक्रेटरी बोल रही हूँ, वो विक्रम में मिला है। हेलो, हाँ वो मिस्टर इंडिया भी हमारे पास ही है, थोड़ी देर में वो सीक्रेट भी बता देगा, फिर हमें सब पता चल जाएगा, लेकिन तुम हमें फोन मत करना। हाँ ओके, सुपर। कैसा है? इसी तरह हर बार वो जब भी फोन करेगा तो इसी आवाज में बोलकर इस कमीने को नहीं दे सकती, ऐसा कहकर फोन कट कर देना। बॉस बॉस बॉस, वो फिर से फोन कर रहा है। हेलो, अपने निकम्मे बॉस को जरा फोन दे सकती है क्या? सॉरी पर बॉस बहुत बिजी है, नहीं दे सकती। हेलो, तुम्हें जो भी सीक्रेट पता चलेगा मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि उसे जानने के बाद भी कुछ कर नहीं पाओगे तुम लोग। जब वो टाइम आएगा तब हम देख लेंगे, लेकिन अभी डिस्टर्ब मत करो। ओके बाय बाय। अभी ये मूर्ति निकाल के ओपनली इसे आंख के सामने रखो और इसमें क्या सीक्रेट है ये समझकर स्विस बैंक जाकर पूरा पैसा ले आओ। तब तक मैं छोटी सी शायरी सुनाता हूँ। डोंट वरी, डोंट वरी। हेलो एक्सक्यूज मी, मेरा क्या? अरे सुना, मेरी कहानी और तेरी कहानी अलग है क्या? हम दोनों की एक ही तो कहानी है। सिनेमा में हीरो और हीरोइन की कहानी अलग होती है क्या? जितना भी सोना है हम दोनों का सेम है, जो मेरा है वो तेरा और जो तेरा है वो मेरा। किस कमीने ने कहा कि हम दोनों एक ही है? मतलब तूने इतने दिन जो मेरे साथ किया वो नाटक था, लव नहीं था। लव लव लव, कौन करेगा लव तुझे? कौन करेगा तुझसे लव? बता, जीवन का क्या मतलब होता है पता है तुझे? इस दुनिया को ठीक से देखा है तूने? ये दुनिया एक आईना है, आईना जो सच दिखाता है। आईने को देखकर तू हंसेगा और वो तुझे देखकर हंसेगा, तू उसे देखकर रोएगा तो वो भी तुझे देखकर रोएगा। इस दुनिया में प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसे प्यार नहीं मिल सकता। जिंदगी में सब कुछ पैसा ही है। फॉर लाइफ वी वॉन्ट मनी, I want money, money. ओए, ओए, नखरे लड़की, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। तुझे जो पैसा चाहिए ना, थू, वो मेरे सर के एक बाल के समान है, इसलिए मेरे सामने ज्यादा घमंड मत कर तू।
क्या यार तुम लोग भी, कब से देख रहा हूँ मैं तुम दोनों मिलकर पुरानी ही फिल्म कई बार रिवाइंड फॉरवर्ड करके बैक टू बैक देख रहे हो। ए भाई, पहले उस मूर्ति को मिस्टर इंडिया के सामने रखकर सारा सीक्रेट बाहर निकालो, उसके बाद अपनी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाना है। सही कह रहा है। क्या हो रहा है ये? जरा अपनी आंखें खोल कर देख, ये तो लॉर्ड कृष्णा है, ये भी पता नहीं चल रहा तुम्हें? ये तो कृष्णा है। वेरल कृष्णा, वेरल कृष्णा, वेरल कृष्णा, ये कृष्णा है, कृष्णा लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड वेरल कृष्णा, वेरल कृष्णा, वेरल कृष्णा। वो जो नाम कह रहा था उसके 100 लोग हैं इंडिया में, अब कहाँ ढूंढेंगे हम? वो सब रहने दो, वो सब ढूंढने मत जाओ, अभी मामला कुछ और है। हाँ, अरे सुनो सुमन, वो बैडली नाम का सिनेमा था ना, उस सिनेमा से इसका कोई संबंध है क्या? कुछ एडजस्टमेंट किया इन लोगों ने? अपने दिमाग को जरा चलाना बंद कर और जरा शांत रख, समझा? जाके दूसरा काम कर, यहाँ पर मेरा दिमाग मत खचल। अरे ये क्या हो रहा है? हे hey, सब लोग यहाँ पर आओ, जल्दी जल्दी, अभी मिल गया। उस मिस्टर इंडिया ने जिस कृष्णा के बारे में बताया था वो और कोई नहीं, यही है, ये अंडरवर्ल्ड डॉन बेटरली कृष्णा है। इसके और पॉलिटिशियंस के बहुत सारे बड़े बड़े लिंक हैं, लेकिन ये मिलेगा कहाँ पर? बॉस अंडरग्राउंड हुए उसे 1 साल हो गया है, पुलिस दूरबीन लेके ढूंढ रही है लेकिन अभी तक नहीं मिला। ऐसा क्या? बेरली चलो सब लोग प्लान बनाते हैं, चलो। बोलो सरकार, वो सीक्रेट बेडली कृष्णा के पास है, उसे पकड़ लिया तो सब कुछ पता चल जाएगा। बेडली कृष्णा कहाँ रहता है वो? उसे अंडरग्राउंड हुए 1 साल हो गए हैं, किसी के हाथ नहीं लग रहा है वो इस वक्त कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, उसकी कहानी मैं देख लूंगा, तुम संभल कर रहना। CBI कह रहे हो? एक लड़की का किया हुआ काम तुम नहीं कर सके, शर्म आनी चाहिए तुम्हें निकम्मो। सरकार उसके पास बहुत सारे वेपन्स थे और हम सबके सब निहत्थे थे सरकार, उतने में से इतने ही आदमी बच के आ पाए हैं, आप प्लीज हमें एक चांस दीजिए सरकार। अरे सुअर के बच्चे, ये सरकार है, सरकार लॉ मेरी है, ऑर्डर मेरी है, रूलिंग भी मेरी है, सरकार की, ये सरकार की है, सरकार की। हे, मुझे पागल समझ रखा है जो मैं तुम लोगों को और चांस दूंगा? है जो डर गया समझो मर गया। देखिए सरकार, आपके हिसाब से आप 5 साल बचने वाले हो, जिसमें से 3 साल जा चुके हैं, जिसमें से 2 साल तक कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ए पंडित जी, तुम जैसा बता रहे हो उस हिसाब से तो ये सरकार किसी से भी नहीं डरेगी। सिर्फ आप ही कहते हैं जिससे ये सरकार डरती है, बार बार उपवास करके मुझे डराते रहते हैं। हे इंटेलिजेंस, एक बिल बनाकर साइन करवाओ इनसे। जी सर, लीजिए सर, लीजिए ना। समझ गया ना, अब इनकी तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम। ये भी एक निकम्मा है ना, बार बार दिमाग खराब करके टेंशन देने के लिए, इसका तो कुछ करो यार। डोंट वरी सर, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो क्यों? जैसे वोटेगा सर पे चाकू लग जाएगा।
इंटेलिजेंट फेलो, ये बताओ उस बेडली कृष्ण को पकड़ने का क्या हुआ? उसको पकड़ने के लिए हमने आइडिया बनाया है। उसका भाई पुलिस की कस्टडी में है, अगर वो अपने भाई से प्यार करता है तो वो जरूर। क्या कहा? पुलिस कस्टडी में जो बेडली है ये उसका भाई है? ओए पुलिस स्टेशन कौन सा है? पोस्टली पुलिस स्टेशन है बॉस। अच्छा पोस्टली पुलिस स्टेशन, उधर तो हमारे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड इंस्पेक्टर हैं। क्लोज फ्रेंड है? क्लोज फ्रेंड सरकार, इंस्पेक्टर रामायण रघु रिपोर्टिंग सर। अरे ओ रामायण रघु। यस सरकार। डायरेक्टली बात पर आता हूँ, अब तू क्या करेगा वो बताता हूँ। पहले तो तेरे कस्टडी में रहने वाले बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड डॉन बेडरिली कृष्ण के छोटे भाई को पकड़कर, उसके भाई को ढूंढकर, अरेस्ट करके जितनी जल्दी हो सके यस सर इस सरकार के हवाले करना है। क्या सोच रहा है तू? जा खत्म कर, जितने तू गिन नहीं सकेगा उतने स्टार तेरी यूनिफॉर्म में लगवा दूंगा। सरकार, अगर ये मिस हो गया तो ऊपर जो स्टार्स है ना वहां पर तुझे भेजूंगा, फिर गिनते रहना। सरकार मेरे घर वाली मिसेज मिस हो सकती है, लेकिन जो केस मैं लेता हूँ वो कभी मिस नहीं होता सरकार। गेट आउट। यस सरकार। जाओ। ओके सरकार। अभी वो बेडरली कृष्णा का छोटा भाई हमारे रामायण रघु के कस्टडी में बहुत ही बोरिंग फीलिंग में बैठा होगा, और वहां पर 8-9 पुलिस वाले सिक्योरिटी में खड़े रहेंगे। अभी हमें क्या करना चाहिए? ओ, 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 अरे रुको 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 कौन कौन है तुम लोग? रुको रुको रुको, अरे क्या कर रहे हो? अरे कौन हो तुम लोग और ये सब क्या कर रहे हो? कौन हो कौन? अरे रुको रुको रुको, अरे मेरे सामने दरवाजा खोलकर इन सबको बाहर लेकर जाओगे क्या? ऐसा मत करो वरना शूट कर दूंगा। इंस्पेक्टर, जान गया तू मेरे भाई की ताकत ना? तू मुझे अरेस्ट करेगा? देखा मेरे भाई के आदमी कितने खतरनाक है, वो तुझे कीमा बनाकर खा जाएगा, समझा? सक्सेस सर। वेरी गुड वेरी गुड, सुपर बम्पर। थैंक यू सर। कम ऑन कम ऑन। यस सर। अच्छा सर, राइट में क्या है? राइट में क्या? राइट में सर, उन लोगों ने राइट लिया है सर। ओ राइट। जा जा जा। मैडम मंजुनाथ मंदिर से लेफ्ट की तरफ गया है। मैडम लेफ्ट की तरफ गया है सर। लेफ्ट ओ लेफ्ट। सर किम्पाकुरम सुरंग से बाहर निकल के गली में आके अब वो मेन रोड की तरफ जा रहा है सर। सर मरियम गली से निकलकर राइट की तरफ जा रहा है। सर क्या आइडिया है आपका? वो चाहे जहाँ से भी जाएगा मिलेगा तो अपने भाई कृष्णा से ही ना। जब वो मिलेगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। यही है ना आपका सुपर आइडिया? आप जीनियस हैं सर, जीनियस। क्या सर, ड्यूटी के टाइम भी ऐसा करते हैं? अर्जेंट माथू चलाओ, जल्दी करो, बैठो करो। कौन है रे बेटू? तुम्हारा शुभचिंतक। तू और मेरा शुभचिंतक? मैडम उनके साथ ऑटो में एक औरत चढ़ी है। सर वो बोल रहा है कि उसके साथ एक औरत भी है। हाँ औरत है। हे कौन आता है कौन जाता है ये मत देखो, उसके ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर। अरे पागल, तुझे लगता है कि तेरे भाई की तरफ से लोग आकर तुझे छुड़वा कर गए हैं? ये सब पुलिस का प्लान है। उन्हें तू नहीं चाहिए, तुझे छोड़ने के बाद तू अपने भाई के पास जाएगा ये पता है उनको, इसलिए उन्होंने हर जगह अपने पुलिस को रखा है। देख इनफैक्ट इस ऑटो वाले को तूने क्या समझा है? ये भी पुलिस वाला है, समझा? क्या भाई पुलिस? सबको सबको दूंगा, डोंट वरी। तुम्हारे इस पुलिस सर्विस में ये सब इतना पैसा बेकार नहीं होगा। मैं जैसे बोलूंगा वैसे ही तुम्हें बोलना है, ओके? जो करेक्टली बोलेगा उसे 1,000 रुपए दूंगा। ये ले, चल अब बोल। तू अभी ये भाग रहे हैं ऐसा उल्टा बोल। ओके सर, सर, आराम से ये पानी की तरफ बहते हुए जाने वाला है सर। वो उल्टा जा रहा है बोल रहा है सर। उल्टा 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 जा रहा है वो। सर जी वो रोड से ना पलटी मार रहा है। हाँ। क्या पार्टी? बंदर की औलाद कब से हो गया वो? अभी तू बोल, ये खंबा खंबा चल रहा है ऐसा बोल। सर वो खंबा चल रहा है सर। हाँ। खंबा, करंट का खंबा क्या? है उसके साथ जो गया था वो कौन है? दिखने में बसक
बसक की तरह क्या? अरे तो फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? फोकस गया, मुझे ही करंट लगने के लिए खंभे पे चढ़ा दिया। किसी ने तो आकर गुलाल डाल दिया, उसकी वजह से हमें कुछ नहीं दिख रहा है, ओके ना? गुलाल सबके ऊपर, कौन चोर है कौन है कुछ पता नहीं चल रहा, सभी की तरह दिख रहे हैं क्या? किसी को मत छोड़ना, किसी को मत छोड़ना, पकड़ो पकड़ो सबको, पकड़ो ओ, पकड़ो सबको। हाँ जा भाई राजा जा, तेरा भाई तेरा वेट कर रहा होगा, एंजॉय। नमस्कार भाई। ए, उसे इतनी मेहनत से पकड़ा था हमने, तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया, अब दोबारा कैसे पकड़ेंगे इसे? बसंती, असल में जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, बकरे को छोड़ेंगे तो ही तो शेर हाथ लगता है। रुक जाओ, वेट एंड वॉच, देखते हैं कि क्या होता है। नमस्कार भाई। बॉस कैसे भी करके दीजिए ना बॉस, अरे कुछ कीजिए ना, ये सब नहीं हो सकता बॉस। हाँ बोलो, मेरी बात मानिए ना। नहीं हो सकता, बोला ना। मैं बहुत मुसीबत में हूँ भाई। आपका छोटा भाई आ रहा है भाई। मेरा छोटा भाई? हाँ भाई, सही कह रहा है, माँ की कसम। ये ले, ए, तेरा काम हो जाएगा, जा यहाँ से। ठीक है बॉस, ठीक है, सुना तूने? अरे मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई, आजा 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 आजा, आजा मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई। हाँ भाई, भाई तुझे देखने के बाद आज मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई रे भाई, सारी खुशी, दिल को सुकून मिला। आजा मेरे भाई, आजा मेरे छोटे। दिमाग नाम की चीज है या नहीं? छोटा भाई जाकर बड़े भाई को लाएगा? ऐसे ही नहीं लेकर आएगा, जोर से लात मार के मुंह पे मार के लेकर आएगा, देखना। What? भाई, भाई क्या कर रहा है? अरे तू मार क्यों रहा है? भाई रुको 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 रुको, वो मेरा भाई है, मेरा उसका पर्सनल है, कोई हाथ नहीं उठाएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। ये भाई क्या हो गया तुझे, पागल हो गया क्या? मर गया। मारकर वो उसे बाहर लाएगा तो गैंग वाले चुप बैठेंगे क्या? चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि भाई चुप बिठाएगा। What? नहीं 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 नहीं, कोई हाथ नहीं उठाएगा मेरे भाई पे, कोई हाथ नहीं उठाएगा। तू मार मुझे, मार मार मार। तू मुझसे गुस्सा है मुझे पता है, मैंने तुझे जेल से नहीं छुड़वाया, किसी ने तो गुस्सा है ना। मार 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 मुझे, भाई को मार रहा है। कोई आगे मत बढ़ना वरना इसकी गर्दन काट दूंगा मैं, कोई मेरे पीछे मत आना समझ लो, वरना मैं इसे मार दूंगा। अरे तो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, क्या हो गया तुझे भाई? ये तो सच में ला रहा है, how is it possible? चल गाड़ी में बैठ, बैठ, चल चल गाड़ी में आजा, जल्दी बैठ बैठ बैठ, बोला ना गाड़ी में बैठ, चल बैठ, चुपचाप बैठने का, मैजिक देखते जाने का। ये तो बहुत बड़ा धोखा है, धोखा। ये लेडी बॉन कौन है? ज्यादा बकबक नहीं करने का। सुपर आइडिया, तुमने तो सच में मैजिक कर दिया। मैजिक क्या? मैजिक बॉस, बॉस इस बम को डिफ्यूज कर दो बॉस, प्लीज बॉस। आपने जैसा बोला मैंने वैसा किया बॉस, मैंने अपने भाई को आपके पास लाकर दे दिया ना बॉस, प्लीज मुझको छोड़ दीजिए बॉस, प्लीज। ये रिमोट है, अगर ये मैं दबाऊंगा तो क्या होगा जानता है? धमाका। भाई मुझे माफ कर दो भाई, इन लोगों ने बम बांध दिया था इसलिए मुझसे गलती हो गई भाई। मैं आपके पास बात करेगा तो दबा दूंगा। मेरा दिमाग खराब होने से पहले तू यहाँ से भाग जाना चाहिए, चल भाग भाग भाग, जल्दी भाग भाग भाग, चल चल चल, निकल यहाँ से, निकल नहीं तो दबा दूंगा, चल चल। डर के मारे भाग गया, तुझे मेरे बारे में पता नहीं है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बैठा ले, चल तुझे हॉरर सिनेमा दिखाता हूँ। निकाल निकाल, पूरे बाल उखड़ने चाहिए, निकाल, घुसा घुसा और घुसा, निकाल निकाल उसके सारे नाखून निकाल, चल जल्दी जल्दी, अंगूठे में एक भी नाखून नहीं रहना चाहिए, चल निकाल निकाल जल्दी। बॉल कमीने बोलता है कि नहीं बॉल? ए बेटर ले, अगर स्विस बैंक का कोड बताएगा तो ठीक है, नहीं तो तेरे बॉडी की बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दूंगा, समझा? चल बॉल जल्दी बॉल। तुम लोग कुछ भी कर लो लेकिन याद रखना, तुम लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा, तुम लोग कुछ भी कर लो लेकिन याद रखना, तुम लोगों को कोई सीक्रेट नहीं, नहीं बताऊंगा। मुझे तो देखा भी नहीं जा रहा, अगर इसे ऐसे ही मारते रहे तो ये गजनी बन जाएगा और हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। डोंट वरी शोना, ये गजनी रहने तक किसी को गजनी बनने नहीं देगा, इसका मुंह कैसे खोलना है ये मुझे अच्छे से पता है। अरे आप क्या करें, ये तो बहुत ही मोटी चमड़ी वाला निकला। हाँ,
इसके सामने अगर मीठे मीठे बिस्किट डालोगे ना तो खुद ही अपना मुंह खोल देगा। यस बिस्किट बिस्किट शोना। हाय गर्ल्स कम ऑन कम ऑन कम हियर कम हियर। गर्ल्स कम ऑन स्टार्ट 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 फास्ट। और फास्ट 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 चलो जल्दी फास्ट करो। अरे मेरा दिमाग दर्द होने लगा लेकिन मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, बिल्कुल नहीं खोलूंगा। चले जाओ यहाँ से तुम लोग, चले जाओ। और करो चो, और करो चो। मर गया कुछ भी कर लो, मत करो मत करो। हाँ बोलेगा ना, स्टॉप 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 स्टॉप। हाँ बोल सिक्रेट, बोल किधर है, बोल ना। पहले पैंट निकालो। देख रहे हो सिक्रेट बताने को कहा तो पैंट खुलवा रहा है, वो भी लड़कियों के सामने। कह रहा है तू थू, तेरे पैंट खोलो, उसी पैंट के अंदर सीक्रेट है। ए कमीने, सबका सीक्रेट उधर ही रहता है, ये ऐसे नहीं बोलेगा। चलो स्टार्ट करो जल्दी। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे पहले पैंट खोलो। ओके ओके स्टॉप स्टॉप। ओके ओके स्टॉप स्टॉप, खोलो जल्दी। लग रहा है कुछ तो बात है। चलो लेडीज अपनी आंखें बंद करो। सब लोग तैयार हो ना। हाँ चल चल निकाल। कमर के धागे में लॉकेट, इसमें है क्या सीक्रेट? स्टुपिड का मतलब स्टुपिड? ये क्या है? सोचा था पूरी पिक्चर डाउनलोड हो गई है पर ये तो सिर्फ ट्रेलर ही है। क्या है ये? इस नोट को देखो, इस नोट का आधा हिस्सा ही अभी हमारे हाथ में है और बचा हुआ हिस्सा उस भगवान के हाथ में, मतलब उस मिस्टर इंडिया के हाथ में। अगर ये नोट उस गजनी के सामने पकड़ा जाए तो सरकार 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 सरकार। अरे ओ तुम कुर्कुसाम बाहर सरकार, हमारे राज्य के बच्चे को पागल बना दिया बोल रहा है। सरकार सरकार, मेरे नीचे काम करने वाले इस सरकार के लोगों को उस बसक में 1000 शूट करने के बाद तुम्हें भी भूलकर मेरे प्लान पर पानी फेर दिया। सरकार सरकार, बीच में एक और बात, अभी अभी मैसेज आया है, उसके हिसाब से हमें एक और सीक्रेट सर्च करना पड़ेगा। जो भी गलती हुई वो हम लोगों ने ही की, एक और चांस दे दीजिए, देखते हैं हम भी कि ये क्या कर लेता है। अरे ओ रामायण रघु, ठीक है जा, तुझे मैं एक और मौका दे रहा हूँ और इस बार अगर मिस हुआ ना तो इस राज्य के बच्चे को डायपर डालने का अधिकार भगवान को भी नहीं है। ऐसा डायलॉग आपके मुंह से नहीं आया तो मैं रामायण रघु नहीं हूँ भाई। गेट आउट। सरकार जय सरकार। जाओ। अरे ओ भिखारी बाबा, ये क्या कर रहे हो? इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो क्या? ये हाउसिंग कॉर्पोरेट बैंक लगती है क्या? अरे कहाँ से आया ये? इतना सब कुछ अरेंज किया है, बाजू में लड़कियां बिठाई है, फिर भी जल्दी बोलना। लॉकेट लॉकेट। अरे अरे बसोक बसोक बसोक, सिर्फ ब्लाउज देकर चला गया वो बसोक। कैसा था लॉकेट इज आवर्स? तू जहाँ मैं वहाँ, मेरी जान तू ले ले।
इसे कैसे पता चला हम यहाँ पर आने वाले हैं? Kiss me or kill me, or darling something to me, me 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 me. तुझे जब बाहों में लिया और मैंने जब किस किया, जागा है ये प्यार, yeah stop. उठा के ये हथियार, मार दे मेरे यार, मार दे मेरे यार. अरे फंस गए शिकारी, खुद अपने जाल, अरे फंस गए शिकारी, अरे खुद मेरे जाल, क्या हो रहा है ये सब? ये लोग अंताक्षरी क्यों खेल रहे हैं? ये पुलिस की अंताक्षरी नहीं है बेटी, तुम दोनों की अंताक्षरी. यहाँ शुरू हो जा. ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक 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 चिका ढिंक चिका. अरे निकाल दे अपना लॉकेट, अरे निकाल दे लॉकेट 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 लॉकेट. ठुमका लगा के गोरी मुझको पागल किया रे, रामायण रघु ये धोखे बाज बड़ा. डेंजर, रामायण रघु बहुत है डेंजर. अरे चुपचाप निकाल दे लॉकेट. टेंशन, मुझे टेंशन क्यों दे रहा है मुझे? इस बार तुझसे गले मिलने की आशा है मेरे राजा. चेक करके दे मुझे तू, इतना काहे सोचे, जरा अपना हाथ खोले. मैं क्यों अपना हाथ खोलूं? लॉकेट के साथ तू नहीं अपना हाथ खोला ना. बस अरे रे रे रे, मेरी जेब में डाल के तू हैंड्स अप करके अपने आप को चेक करवा के ये कंफर्म करवा के कि लॉकेट तेरे पास नहीं है, फिर मुझसे गले मिलकर लॉकेट लेना चाहता था ना. तू क्या सिर्फ तेरे पास दिमाग है और हम क्या बहुत बड़े बेवकूफ हैं? पुलिस वाले हैं हम, तुझसे ज्यादा बुद्धिमान है. टाटा 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 टाटा. चलो 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 आगे नहीं बढ़ना. गया गया और वो भी गया. सरकार, इस हाथ में स्टार लगाए, इस हाथ से लॉकेट लीजिए. पहले मैं देखूंगा, उसके बाद तेरा स्टार डिसाइड करूंगा, ठीक है? कीड़ा कीड़ा है इसमें. मर गया. बुलेट का बॉक्स लग रहा. ये लॉकेट तुम्हारे पास है तो उसके पास है वो? वो कमीना मेरे पीछे बेताल की तरह पड़ा रहेगा, ये मुझे पता था, इसलिए मैंने डुप्लीकेट लॉकेट बनाकर उसके जेब में छोड़ दिया और ओरिजिनल मैंने अपने पास खुद रख लिया. जल्दी से लेकर आ बे. सरकार की जय. सरकार जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद, सरकार. आप एक छोटे बच्चे को लेकर खेलते रहोगे, तभी वो बच्चा धीरे से सुसू कर दे तो उस बच्चे को नीचे फेंक कर कोयते से काट तो नहीं दोगे ना सरकार? उसे माफ कर दोगे ना सरकार? इसलिए माफ कर दो सरकार. ठीक है ओपन करो ना. इतनी आसानी से कैसे ओपन कर लूं? तू अगर वो देगी तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा. कम ऑन. बस कोई भैंस का बच्चा खाना ना खाए तो उसे गोली मार दोगे क्या सरकार? ऐसा कभी नहीं करोगे ना सरकार? तो फिर बताओ सरकार, अगर छोटी सी गलती हो गई तो उस गलती को सुधारने के लिए उसे पूरा मौका मिलना चाहिए सरकार. बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गलतियों से सीखते हैं. मैं भी सीख जाऊंगा सरकार. बस एक बार माफ कर दो सरकार, माफ कर दो. लगता आज आखिरी दिन है. छोड़ो मत उसको, बम बम पटक कर मार दो. स्टूप
स्टूपिड इंडियंस। अरे अब ये कमीना तो चिट्ठी पर चिट्ठी लेकर आ रहा है, ये चिट्ठी होगी तो वो चिट्ठी, अभी देखा तो इंडियंस, अब मेरे पास पेशेंस नहीं है। ये दोनों टुकड़े लेकर सीधा स्विस बैंक चले जाते हैं, वो हमें तीसरी चिट्ठी के साथ पैसे विड्रॉ करके दे देंगे, फिर हम कल्टी मार लेते हैं। अबे चुप कर, तू 3 महीने के बाद नहीं 6 महीने के बाद नहीं, बीच में ही पैदा हुआ है। देख इधर क्या है, देख इसमें 2 नोट मिलने के बाद ऑलमोस्ट आधा हिस्सा तो क्लियर हो गया है, अभी बचा हुआ आधा हिस्सा हमें चाहिए, मतलब और एक पीस मिल जाए तो टोटल मिल गया ऐसा समझ लो। सीएम चेयर। अरे ओ अंकल, क्या? तुमने उसे क्या समझ रखा है, कोई शादी का चेयर है जो इधर उधर रख के मैनेज कर लेंगे। वो सीएम कैसा है तुझे पता है, फेविकॉल जैसा चिपक गया है चेयर पर, बाथरूम जाना हो, बेडरूम जाना हो या टॉयलेट में जाना हो तो भी वो चेयर को लेकर चलता है, उसे कैसे लेकर आएंगे हम लोग। अरे रे, अरे और कोई दूसरा तरीका है तो वो बता। सीएम चेयर। हम इतनी मेहनत करके स्विस बैंक का जो सीक्रेट कोड ढूंढ रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन तू सरकार के पास पहुंचा रही है। सरकार? कौन सरकार? बिल्ली अगर आंख बंद करे और दूध पिएगी तो नहीं समझ में आएगा, समझ। कौन सी सरकार है ये मुझसे ज्यादा तो तुझे पता है, सीबीआई अंडरकवर एजेंट मिस सुमन बेदी जी। किधर भागने जा रही थी? ओए, पर्स में हाथ डाले बिना समझने वाले मुझ जैसे को, तेरी आईडी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जब बेडरली कृष्णा की बात ब्रेक हो गई, लॉकेट की बात लीक हो गई, तभी मुझे तुझ पर डाउट हो गया था, और अभी तो मैं कंफर्म हो चुका हूँ। हाँ दी है, मैंने वो इन्फॉर्मेशन सरकार को भेजी है। क्या करोगे तुम बताओ? तुम क्या बहुत अच्छे इंसान हो? लोगों का पैसा चोरी करके स्विस बैंक में रखा है उस कमीने ने, और तुम उस पैसे को चुराने के चक्कर में लगे हुए हो। तुम उससे भी बड़े चोर हो। स्विस बैंक में जितना भी पैसा जमा है उसे इंडिया ला कर ही रहूंगी मैं। वो पैसा सरकार के पास होना चाहिए। इस काम में अगर मेरी जान भी चली गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई जस्ट डोंट केयर। सुपर, आहा, क्या डायलॉग मारा है तूने। ये जो तू बोल रही है ना, वो डायलॉग स्टेज पर माइक पकड़ के बोलेगी तो अच्छा लगेगा, असल जिंदगी में नहीं। ए पागल, सरकार के बारे में तुझे क्या पता है? हा? मुझे भी ऐसा ही लगा था, तेरी तरह ही सोचता था। सरकार मतलब भगवान होता है, सरकार का काम भगवान की तरह होता है। ये समझकर जब मैंने अपने बॉस से बात की तभी मुझे एग्जैक्टली पता चला कि ये सरकार शोले पिक्चर में जो गब्बर का कैरेक्टर है उसकी तरह ये सरकार है। बॉस कौन है वो, क्या कह रहे हो तुम? मेरा बॉस कौन है ये जानती हो? 10 साल पहले मैं एक छोटी मोटी चोरी करने वाला छोटा टोपी वाला था। चोरी करने के लिए एक दिन मैं घर में घुसा, किसी के घर में भी घुसा तो मैं अपना बैग भरे बिना बाहर नहीं आता था। लेकिन उस दिन कुछ और ही हुआ, उस घर में मुझे एक चिल्लर भी नहीं मिला। घर के किसी भी कोने में ढूंढा तो मुझे जो मिला वो सिर्फ और सिर्फ फाइल्स थी। ये एक ऐसी घटना है कि उस समय मैं एक ऐसे इंसान से मिला कि उसे मिलने के बाद मेरा पूरा जीवन ही चेंज हो गया। क्यों रे, घर में सिर्फ फाइल मिल रही है, पैसे नहीं मिल रहे, इस बात का दुख है क्या तुझे? वहां से कूदेगा तो तेरी सारी हड्डियां टूट जाएंगे। वो दरवाजा खुला है, आराम से निकल जा, चल जा। ये सब क्या है सर? मैं चोर हूँ, मैं आपके घर में चोरी करने आया हूँ, ये पता होने के बाद भी आप मुझे बिना पकड़े जाने के लिए बोल रहे हो, कमाल है। तुझे क्यों पकड़ू मैं? बड़े बड़े चोरों को पकड़ा है लेकिन अपने हाथों से आज तक धो नहीं पाया, अब तुझे पकड़ के क्या अचार डालूंगा? बड़े बड़े चोरों को पकड़कर? सर आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आपके हाथ क्यों नहीं है सर? क्योंकि मेरे हाथ फांसी का फंदा थे। हाथ फांसी का फंदा थे? मैंने अपने देश के हजारों चोरों को, हजारों भ्रष्ट अधिकारियों को, हजारों राजनेताओं को पकड़ा था लेकिन अपने हाथ से कुछ कर नहीं पाया। ये सारी फाइल्स किन लोगों की है पता है?
इस देश के लाखों करोड़ों रुपए लूट कर काला धन के रूप में स्विस बैंक में जमा करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेताओं की फाइल है ये। इतने सारे प्रमाण और सबूत रहने के बाद भी मैं अपने हाथों से कुछ नहीं कर पाया, जानते हो क्यों? पूरे 65 साल, 65 सालों तक मेहनत करके जो पैसे जमा कर रखे थे इस सरकार ने, उन पैसों पर तू हाथ डालेगा ऑफिसर? स्विस बैंक अकाउंट में हाथ डालने वाले इन हाथों को मुझे दे दे लोकी, ये हाथ मुझे दे दे लोकी, ये हाथ मुझे दे दे लोकी, स्विस बैंक में हाथ डालने वाले इन हाथों को मुझे दे दे लोकी। सरकार ने इस लोकायुक्त लौकी के दोनों हाथों को काट के अलग कर दिए, अलग कर दिए। लोकायुक्त कुर्सी पे बैठने का अधिकार इन हाथों की वजह से छिन गया, छिन गया। वो सरकार इतना बुरा है, मुझे पता नहीं था। मैं इसी पल से सरकार के लिए काम करना बंद कर देती हूँ, और उससे भी ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी। उसके लिए मुझे माफ कर दो। आज से तुम जो भी काम करोगे मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगी। हाँ, तुम्हारा साथ तो मुझे चाहिए ही चाहिए सोना, क्योंकि अगर तुम्हारा साथ ना हो तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। अभी हमें क्या करना चाहिए पता है? अबे ओ इंटेलिजेंस, क्या है रही है? हमारे सीक्रेट एजेंट से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आई रे? सरकार, इन्फॉर्मेशन तो आ जानी चाहिए थी। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन फोन लग नहीं रहा है सरकार। समथिंग इज रॉन्ग सरकार। क्या कहा? इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है? तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया ना है? सिंचर,
किसी भी तरह बॉस को मार के ये सीएम की चेयर हथियानी ही होगी। इन्हें बुद्धू बनाकर इस चेयर को यहाँ से ले जाना ही होगा। लव लव करता है, इसका मर्डर करके ये सीएम की चेयर मैं लेकर चली जाऊंगी। करना ही होगा मुझे। ये सब मेरे आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं इस चेयर को यहाँ से ले जाकर ही रहूंगा। बापरे, ये सीएम की चेयर देखने के बाद यहाँ सबके मन में राजनीति चालू हो गई है। अरे जल्दी से चाकू लाओ, इसे पहले कट करना होगा। जल्दी जल्दी जल्दी। ओह, अगर ये ऐसा ही रहेगा तो बहुत डेंजर हो जाएगा। यहाँ पर भी पॉलिटिक्स चालू हो गई। कट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ है क्या सीक्रेट? स्टूपिड इंडियन टैक्स, यही है क्या स्विस बैंक कोड? मतलब पागल भारतीयों के मेहनत का पैसा। अरे हमारे भरे हुए तमाम टैक्सेस, जैसे कि बिजली के बिल, वाटर बिल, राशन बिल, ये सारे पैसे उन लोगों ने ले जाकर स्विस बैंक में जमा कर दिया है। उसी का कोड है ये, समझते अच्छा, नहीं हो? इसलिए स्टूपिड इंडियन टैक्स बोर्ड का नाम लिखा है। स्टूपिड ही है। अब हम लोग लेट नहीं करेंगे। अगर हमारी फ्लाइट मिस हो गई ना तो बैंक क्लोज हो जाएगा। जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो पैसे लेकर। ये क्या सब लोग राजा रानी की तरह रेड कारपेट पर चलते हुए जा रहे हो? सब कुछ सक्सेसफुल हो गया इसीलिए ना? खुशी में। इतने दिनों जो हुआ उससे भी ज्यादा मुश्किल आगे आने वाली है। बी केयरफुल। पर क्यों? क्योंकि सीबीआई वालों ने हम पर नजर रखी है। वो हमारे पीछे पड़े हैं। अभी कैसे इस कोर्ट से स्विस बैंक से पैसे लेकर आए ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने एक आइडिया लगाया है। अभी हमें एक अच्छा खासा विश्वासी आदमी चाहिए। वो कौन है बोले तो? हाँ, तुम पर मैं उतना विश्वास नहीं करता। अरे बापरे, तुझ पर तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा। तू तो बिल्कुल भगवान की तरह है। तुझ पर ही मुझे बहुत भरोसा है। इसके लिए मैंने एक आइडिया सोचा है। ये एयर टिकट है स्विट्जरलैंड के लिए, पकड़ो। और ये है कोड, ठीक है ना? पकड़ो। आज ही नाइट की बिजनेस क्लास टिकट है, डायरेक्ट जिनीवा में जाना है। ओके, स्विस बैंक से पूरे पैसे विड्रॉ करके 1, 2, 3, 4 4 बंगलोज, 4 इंपोर्टेड कार, आई वांट फरारी और लंबोरगिनी, इसके लिए कोई रोल्स रॉयस और इसके लिए BMW चलेगी। हाँ, ठीक है, सब कुछ खरीद कर वहीं सेटल हो जाना और हम 15 दिन में सब कुछ सेटल करके आ जाएंगे। ओके, तुम जो कुछ भी कह रहे हो सच में होने वाला है? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। अरे सच में होने वाला है, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। हम तीनों पर सीबीआई वालों की नजर है, तुम्हें ही जाना होगा। ओके, ठीक है, मैं चलता हूँ। एक मिनट, वहाँ जाने के बाद हमसे मिलोगे तो ना? मैं पहुँच गया तो मिलूंगा। मतलब मेरा ये है कि मैं वहाँ पहुँचूंगा और मिलूंगा। ओके ओके ओके। ए भाई, ओके, हैप्पी फ्लाइट, हैप्पी जर्नी। मैं चलता हूँ, चलता हूँ। आराम से जाना। ओके बाय, सी यू। ए व्हाट, कोड फ्लाइट का टिकट? कोड फ्लाइट का टिकट सब कुछ लेकर गया और हम यहाँ पागल की तरह खड़े हैं, सोच रही हो? सिर्फ कोड से कुछ नहीं होता, तुझे ये बात पता है क्या? तुझे जो भी सीक्रेट मिलेगा वो मुझे पहुंचा देना, क्योंकि वो सीक्रेट वैसे भी तेरे किसी काम का नहीं है। अच्छा, ऐसा है? फिर उसका क्या होगा? अरे उसकी कहानी छोड़ दो, किसी भी स्विट्जरलैंड के रास्ते पर भीख मांगता रहेगा कि भाई भीख दो भीख दो। फिर हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें क्या करना चाहिए बोले तो, अभी हमें डायरेक्टली इन्हें देखना चाहिए। स्टूपिड इंडियन टैक्स, ऐसा कोड वर्ड रख के हमारे पैसों को ले जाके स्विस बैंक में रख दिया है, क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ? मैं सहन नहीं कर सकता, भूख हड़ताल पर बैठूंगा, उन सबको सूदी पर चढ़ा दूंगा। मैं अभी के अभी सबको झापड़ लगाऊंगा, उपवास सत्याग्रह पर जाऊंगा मैं। महाशय आप जरा बैठ जाइए, सुनिए आप भी जरा बैठ जाइए। वैसे अभी आप किसको झापड़ मारोगे और आप किसको खंबे पर चढ़ाओगे, जरा बोलिए तो सही। कैसी बात कर रहे हो तुम? ये कोड वर्ड देखने के बाद सरकार ने मेरे हाथ काट दिए, वो फिर से मुझे मिल गए, ऐसी खुशी मिलेगी। लेकिन बोल रहे हो कि हम ऐसा नहीं कर सकते, फिर क्या करना पड़ेगा? मैं आपके दिल की बात समझता हूँ, लेकिन इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। हमारे स्विस बैंक के कोड के पीछे पड़ने से पहले बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसके पीछे पड़े थे। इन सबका एक ही लीडर है, वो कौन है पता है? हलाल कौर हवाला का बेटा कन्ना लाल। कन्ना लाल? जी हाँ, अगर उसे पकड़ेंगे तो उसके पीछे कौन कौन है और हमें क्या करना चाहिए ये सब कुछ पता चल जाएगा। ये कैसे होगा? Only outgoing, no incoming. Contact कैसे करेंगे? Incoming, outgoing के लिए मैंने ऑलरेडी एक प्लान बना कर रखा है। मालाश्री। Yes, boss. वो कन्नालाल तुम्हारी लाइन पर ही है ना? हाँ, लाइन पर ही है। इसी तरह लाइन पर रखना, आइए सब चलते हैं। आइए। स्वीटहार्ट, तुमने कहा था 3 करोड़ दोगी, तभी मैंने तुम्हें सीक्रेट कोड, सीक्रेट जगह सब कुछ बता दिया। माय डियर सोना,
तुम जब भी मुझे वो 3 कोड दोगी तो मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड ले जाके तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डाल दूंगा। उसके बाद 3 बच्चे पैदा करके खुशी से जिएंगे हम लोग। माला श्री, हाय सोना, आ गई क्या डार्लिंग? वाह वाह, 3 कोड लेके इतनी जल्दी आ गई हो। आ जाओ सोना। ए, मालाश्री, तुम एक अच्छी सुशील बीवी बनोगी ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन तू तो चंडी दुर्गी चामुंडी मालाश्री हो गई रे। मेरे साथ धोखा किया तूने, हाँ? ये प्यार व्यार सब किताबों में ही सही होता है, ऐसा तूने प्रूफ कर दिया रे। ए, थू तेरी तो, क्या बोलता रहता है तू? वही पुरानी डायलॉग बाजी मार के अभी तक जी रहा है तू? अरे अभी तो तेरा सारा का सारा पर्दा फाश हो चुका है, समझा? ए, मैं जानता हूँ कि तू फेंके हुए दाने को तुरंत उठा देता है, इसीलिए मैंने तेरे सामने ये बिस्किट का टुकड़ा फेंका है। देख, अभी फ्लैशबैक और फाइट करने के लिए टाइम नहीं है, डायरेक्टली सीधी बात पर आता हूँ। स्विस बैंक के 3 कोड अभी हमारे पास है, वो लेकर कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना चाहिए, ये सब डिटेल मुझे अभी के अभी बता, नहीं तो फिर क्या। तू क्या कर लेगा रे, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, खुद ही टकला हूँ मैं, समझा क्या? अरे बाप रे, तेरी तो, अरे क्या करेगा ऐसा, पूछ रहा है क्या करेगा, पूछ रहा है मेरे से, पूछ रहा है और क्या करूंगा तुझे, नहीं कर पा रहा हूँ, छोड़ दे मुझे, अरे अरे छोड़ दे मुझे, अरे मुझसे अभी नहीं देख लिया ना तेरी हालत क्या कर दी है, अभी तो तुझे यहाँ सिर्फ लटकाया है, अगर मैंने जो कहा वो नहीं सुना तो बिल्डिंग के बाहर ले जाकर ऐसे ही ऊपर से ड्रॉप कर दूंगा। अभी डिटेल में आराम से ये 3 कोड्स के साथ क्या करना होगा ये तुझे बताना होगा। ये 3 कोड लेके तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके और भी बहुत सारे कोड है, वो कोड MLA मिनिस्टरों के पास है, उसे हासिल करना बहुत ही मुश्किल है, सिर्फ इस कोड से कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा ऐसा है क्या, वो सारे कोड तेरे से कैसे निकालने ये मुझे अच्छी तरह से पता है, तो रुक सुनो, उन पॉलिटिक्स वालों को कैसे लाना है, उनसे कोड कैसे निकलवाना है, ये प्लान मैं बनाऊंगा, ठीक है? और तुम लोग उस सरकार को कैसे पकड़ना है वो सोचो, अभी यहाँ पर रुकोगे तो पॉलिटिक्स वाले यहाँ पर नहीं आएंगे, चलो आप लोग जाइए। अभी सारे नेताओं को मैं जहाँ जहाँ बोलूंगा वहाँ पर तू बुलाएगा, बुलाएगा या नहीं, नहीं तो तेरी कहानी खत्म। ले सारे मिनिस्टर्स को फोन कर, तू मेरा कजन ब्रदर है, मेरी बात मान, 50-50 कर। चुपचाप फोन कर, बकवास मत कर, चल फोन कर, फोन दे, सबको फोन करके इस एड्रेस पर आने को बोल, जल्दी। आजा कमीने, आजा आजा, तेरी राह देख रहा था, आजा चल। ए बसाक, सबको लेके आने के लिए बोला था ना, इसलिए लेके आ गया, क्या करेगा तू बता? यहाँ पर मैं अकेला आया हूँ ये सोच रहे हो? ओए, मेरे साथ यहाँ पूरा पूरा इंडिया आ चुका है, देखना चाहोगे? देखोगे क्या? हाँ देखने के लिए तैयार? करो करो, शूट करो, टाइट क्लोज अप, फोकस फोकस करेक्टली करना, एक एक का। हे, देख लिया ना, तुम सब लोगों को मैंने यहाँ इसीलिए बुलाया था, अभी तुम सब लोग रेड हैंड विद कोड पकड़े गए हो, पूरा इंडिया देख रहा है तुम लोगों को, तुम्हारी मान मर्यादा पब्लिक में उछल जाएगी, देखने वाले लोग चप्पल से मारेंगे तुम लोगों को। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज, राजनीति से जुड़े हुए तमाम लोगों के मुखौटे हटाकर बसक नाम के एक देशभक्त युवक ने सबके सामने बेनकाब कर दिया है। स्विस बैंक में किन किन लोगों के पैसे जमा हैं, इसका पूरी तरीके से खुलासा हो चुका है, इस वजह से देश के नागरिकों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, किसी भी वक्त ये सरकार बदल सकती है, अब मौजूदा सरकार अपने आप को बचाने के लिए किस अस्त्र को यूज करेगी ये देखना बाकी है। हे, आओ सब। जी सरकार। चलो, देखा मैंने पहले ही कहा था, ये मीडिया वालों का भरोसा मत करो, अब क्या हो रहा है देख लो, 5 में 2 बचे थे और वो भी तुमने खराब कर दिए, तुम लोगों के काम की वजह से मेरे हाथ पर कांप रहे हैं, जरा देखो वो कैसे आ रहा है, देखो। आ!
की कोड तो आपके पास ही है ना बॉस, उस पैसे को कोई नहीं निकाल पाएगा बॉस, वो पैसे आपके ही पास आएंगे और इस बात की 100% गारंटी मैं देता हूँ बॉस, मैं गारंटी देता हूँ बॉस, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा बॉस। ए, चलो जाओ जाओ, देखो कि वो बसक पैसा लेकर इंडिया में ही आता है, जाओ जल्दी जाओ जाओ। बॉस की कोड तो आपके पास है ना बॉस, आप अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं बॉस? आपके हाथों से वो की कोड कैसे लेना है मुझे अच्छी तरह पता है। अभी अभी मिले ताज़ा खबर के मुताबिक स्विस बैंक में जमा तमाम काले धन के बारे में अधिकारियों के साथ बहुत ही विस्तार से बातचीत हुई है। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि स्विस बैंक में जो भी काला धन जमा है उसे भारत लाया जाए। इसके लिए प्रयास चल रहे हैं और गुप्त रूप से देश के उच्चाधिकारी स्विस बैंक के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ये पैसा हमारे देश हिंदुस्तान पहुंच जाएगा। देख लिया कितना कंटेनर भर के पैसा है, इन पैसों से 4 स्पेशल लैंड इंडिया क्रिएट कर सकते हैं। हाँ हमें तो बहुत खुशी हो रही है, हमने तो अपना काम कर दिया, बहुत बढ़िया। हाय मिस्टर स्विस, हाउ आर यू, प्लीज ओपन दिस कंटेनर एंड अनलोड ऑल द मनी टू अवर ट्रैक्स। ओके सॉरी सर, हमें की कोड की जरूरत है, की कोड के बिना हम कंटेनर ओपन नहीं कर सकते। व्हाट? की कोड? की कोड? की कोड? अरे सारे कोड तो आसमानी है, कौन से नए कोड की बात कर रहा है? हेलो, मैं नहीं जानता कि की कोड क्या है। आपको की कोड नहीं पता है? नो तुम लॉक का भी नहीं सुधरोगे, वहाँ देखो वो है सबसे बड़ा खिलाड़ी जिसके पास की कोड है। ये क्या है? क्यों देख लिया ना रंगा? गजनी? देख लो हमारा बिग बॉस यहाँ आया है। देखो किसी भी हालत में सरकार वो की कोड न जानने पाए, जाकर रोको उसे, जाओ जाओ रोको उसे। मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया, ये हमारी जाति वाला नहीं है। हाँ, ऐसा क्या? ये हमारी जात का नहीं है। हाँ, इसके पीस पीस कर दो। हे मिस्टर इंडिया ने कह दिया, पीस पीस कर दो इसके। मारो। ये हमारी भाषा वाला भी नहीं है। ये हमारी भाषा वाला नहीं है। जाओ मार कर फेंक दो इसे। मिस्टर इंडिया ने बोल दिया, मार कर फेंक दो उस जाहिल को। ये तो मुझे टेररिस्ट जैसा दिखता है। ये लो, पियो। इसके लिए ये सरकार ही सही रहेगा। Thank you.
सेंड योर की कोड। अभी देता हूँ की कोड। मिस्टर इंडिया नो, की कोड मत देना उन्हें। नो दो साल नहीं, 5 साल तक की सरकार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 5 साल इस सरकार के साल सरकार के। अबे रुक जाना, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने जो काम तूने नहीं किया, तूने मुझे धोखा दिया है। करना चाहिए क्या? हे मिस्टर इंडिया, 5 साल तक बेकार आदमी की तरह इधर उधर घूमता था। मैंने तुझे गजनी से रजनी बनाया, बिग बॉस बन गया था, लेकिन तू तो इन पैसों की शोहरत की लालच में बिग विलन बन गया बे। तूने जाकर उनको ही कोड दे दिया पागल। क्या है ये सब, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भिखारी आदमी बिग बॉस कैसे बन गया? रजनी, रजनी कैसे हो गया? ये कोड क्या था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सच में। अगर आप लोग मैं इस कमीने को पहले ही समझ जाते तो ये सब होता ही नहीं। इतने करोड़ों रुपए चले गए, अब ये जो करोड़ों रुपए इन्हें मिले हैं इसका ये मिसयूज करके अपना फायदा साधेंगे। अरे मिस्टर इंडिया, अब तो समझ जा यार, तुझ जैसा बड़ा टोपी वाला और कोई नहीं है। तू एक दिन में ये जाति की टोपी, वोट की टोपी, पैसे, लड़कियाँ, डिफरेंट डिफरेंट टोपी लोगों को पहनाता है। हे, अरे अभी तो सुधर जा, असली टोपी वाला तो तू है बे।